गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिएगा पहले लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल के BQ1 से BQ13 तक कर लिया था, डिस्काउंट पॉलिसी देखा था, EOQ निकालना सीखा था, लेवल सेटिंग सीखी थी। अब इसके बाद आगे अब हम लोग आगे जा रहे हैं लेवल सेटिंग से आगे, नेक्स्ट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। देखिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, RTP में बैक टू बैक आता रहता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट परचेज, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। इसके अंदर क्वेश्चन करेगा क्या आपको, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलना है आपको। परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर, ये आपको सामने क्वांटिटी देगा और यहाँ पर प्राइस देगा। देखिए अगर लेस देन 500 लोगे तो 1200 रुपये का रेट लगेगा, अगर 500 या उससे ज़्यादा बट लेस देन 1000 लोगे तो 1180 का रेट लगेगा। इस तरह से ये आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस में चेंज होता हुआ दिखाएगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके लिए इसमें सबसे सस्ता कौन सा है, तो पूरी कहानी हमें देखनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 5000 टन्स, पूरे साल में मुझे 5000 टन की ज़रूरत है। डिलीवरी कॉस्ट 1200 ओ, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो सी आ जाएगा इससे। एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई 5000, ओ आ गया 1200, इस तरह से यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके अंदर स्टडी मैट का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आया है। आप ये देखिए, आपको यहाँ पे एक ROQ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो आपको ROQ सेलेक्ट करना है वो एक बात बताइए, लेस देन 500 है तो लेस देन 500 तो 1V है, 2V है, 3V है, 499V है, ये तो सब कुछ ही है। सही बात ये है कि लेस देन 500 का मतलब है कि आप 1 टन से लेकर 499 टन तक कोई भी ऑर्डर दो, आपको 1200 रुपये पर टन का रेट लगाएंगे। अगर आप 500 या उससे ऊपर और 999 तक लेस देन 1000 ऑर्डर देते हैं तो 20 रुपये की डिस्काउंट मिलेगी पर टन, 1180 का पड़ेगा। और आप 1000 या उससे ऊपर लेकिन लेस देन 2000 का ऑर्डर देते हैं तो आपको 40 रुपये डिस्काउंट मिलेगी, 1160 का पड़ेगा। इस तरह से ये पूरा डिजाइन बना हुआ है। 3000 अबव यानी 5000 से ज़्यादा हमें मंगवाना नहीं है, ये हमारे सामने सिनेरियो आ गया। अब इसके अंदर करना क्या है, आपको परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। हर लेवल से आपको एक ROQ सेलेक्ट करना है। अब मुझे बताइए, हर लेवल से मेरे को एक ROQ सेलेक्ट करना है तो मैं इसके लिए कैसे करूं? तो आपको सही बात बताऊं तो बच्चे अपने मन से कोई भी ROQ ले सकते हैं, जैसे 1 से 499 के बीच में 200, 500 से 990 के बीच में 800, कुछ भी जो आपके मन में आया वो ले सकते हैं। हम लोग इसको इस तरह से करेंगे जिस तरह से स्टडी मैट ने दिया है और जिस तरीके से हमेशा सजेस्टेड आंसर आए, जिससे हमारा हमेशा मैच हो जाए। मैच करने का सिंपल सा तरीका है, आप ROQ इसमें क्या क्या उठाएंगे, सबसे पहला जो लेवल होगा उसमें उठाएंगे हाईएस्ट राउंड ऑफ। तो बताइए हाईएस्ट राउंड ऑफ कौन सा होगा, हाईएस्ट राउंड ऑफ फिगर आप बताइए, हाईएस्ट राउंड ऑफ फिगर कितनी होगी? तो हाईएस्ट राउंड ऑफ फिगर इस क्वेश्चन के अंदर आएगी 400। तो मैं एक ROQ लूंगा 400 जो यहां पर लाई करेगा, उसके बाद में मैं सबका लूंगा लोएस्ट, तो सबका लोएस्ट कितना है, 500, 1000, 2000 एंड 3000, ये मेरे लोएस्ट राउंड ऑफ। बाकी सब में लोएस्ट राउंड ऑफ और सबसे पहले में हाईएस्ट राउंड ऑफ। तो अब मैं अपने पास ऑर्डर साइज ROQ लूंगा 400, 500, 1000, 2000 और 3000। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है बच्चे के लिए कि आखिर वो ऑर्डर साइज क्या ले। तो ऑर्डर साइज ध्यान रखना है, हाईएस्ट राउंड ऑफ और उसके बाद में लोएस्ट राउंड ऑफ, ये आपके सजेस्टेड आंसर से एकदम डिट्टो मैच कर जाएगा और आपकी जेब में पॉकेट में 5 to 10 marks गिर जाएंगे। बस कुछ नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट निकालिए और टोटल कॉस्ट जोड़ दीजिए। करते हैं जरा एक बार इसको, आ जाइए BQ14। BQ14 हम लोग के पास देखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट,
ओके पांच लेवल्स हैं, पांच आरो क्यों उठाने, एक दो तीन चार पांच पर्टिकुलर्स। सबसे पहला आरो क्यों मैंने उठा लिया 400, सेकंड 500, 1000, 2000, 3000। तीन खर्चे लेने हैं मुझे, सबसे पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा मुझे उठाना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा मुझे उठाना है कैरिंग कॉस्ट। A डिवाइड बाई आर ओ क्यू इंटू ओ, हाफ ऑफ आर ओ क्यू इंटू सी, इन तीनों खर्चों को मैं जोड़ दूंगा और मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, किस तरीके से हम इसको दिखाने वाले हैं और कैसे आएगी ये वो देखना है अब हमें। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ओके परचेज कॉस्ट, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई 5000, टोटल 5000 टन खरीदना है। तो 5000 टन, अगर आप 400 का ऑर्डर दोगे तो 1200 का रेट लगेगा, 60 लाख रुपए खर्च हो गए। फिर मिलेगा 1180, 59 तक, 1180 के बाद 1160, 20-20 रुपए गिरा रहा है, 58 लाख, 1140, 57 लाख एंड 56 लाख। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5000 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 1200, 15000, 12000, 6000, 3000, 2000। कैरिंग कॉस्ट में बच्चा गलती कर सकता है, आर ओ क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15%, 20%, 20% ऑफ पहले वाले में आएगा प्राइस 1200 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास पहले वाले का कैरिंग कॉस्ट 48000। दूसरे वाले में देखिए कैसे निकालेंगे, दूसरे में 500 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20% ऑफ 1180, 59000। इस तरह से कैलकुलेशन आप लोग करेंगे इसमें, तो प्राइस बदलते जाएंगे, यहां पर 1160 का 20%, फिर आपका आ जाएगा 116, 116 के बाद 228 एंड 336। यानी बाकी तो आसान है, मेन था कि कैसे सिलेक्शन करें, तो हाईएस्ट राउंड ऑफ एंड लोएस्ट राउंड ऑफ। अभी PYQ जब आएंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन, उसमें मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि कैसे किया हुआ है। 60,63,000, 59,71,000, 59,22,000, 59,31,000 एंड 59,38,000। सबसे सस्ता कौन सा बैठा, तो सबसे सस्ता बैठ रहा है भाई साहब ये वाला, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल एड 1000 units। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर, मैं क्वेश्चन का डिजाइन एक बार फिर से कंफर्म करता हूं, क्वेश्चन आपको क्या करेगा, यहां अलग अलग प्राइस देगा, यहां क्वांटिटी के स्लैब दे देगा। अब हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या लें भाई, 500 एंड 1000 के बीच में, तो 500, 600, 800 कुछ भी क्वांटिटी का ऑर्डर मैं कर सकता हूं। तो सजेस्टेड आंसर के हिसाब से लोएस्ट और हाईएस्ट राउंड ऑफ, इनकी परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सबसे सस्ता आएगा हम बता देंगे कि भाई ये वाला लेवल सबसे सस्ता बैठ गया। ओके, देखिएगा BQ15 इसी का भाई होमवर्क में है। इसके अंदर क्या चीज चेंज की गई है, इसके अंदर हमने किया है 30 रुपये का प्राइस है। यहां पर हमने क्या करा, 0 से 49 तक ऑर्डर दोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं,
यानी स्टडी मेट ने यहाँ प्राइस 30 रखा है, यहाँ 5% की डिस्काउंट है तो इसका मतलब 28.5, यहाँ 10% की डिस्काउंट तो 27, और यहाँ 12% की डिस्काउंट है यानी यहाँ पर 26.40। इट मीन्स इस क्वेश्चन में प्राइस ना देके डिस्काउंट लिख दी है, तो आपको प्राइस अपने हिसाब से निकाल लेना होगा। ऑर्डर साइज कैसे लोगे अब आप ये बताओ, ऑर्डर साइज बताइए, हाईएस्ट राउंड ऑफ 40, फिर 50, 100 और 200, तो 40, 50, 100 और 200, इस तरीके से इसमें सिलेक्शन आपको करना होता है। BQ15 के बाद में हमारे पास ABC, इन्वेंट्री टर्नओवर, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल और स्टोर लेजर, ये चार टॉपिक हैं, पर ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो हम इन पे सबसे लास्ट में आके ध्यान देंगे। अब हम लोग जाने वाले हैं एग्जाम के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास PYQ1। हमने कोई भी PYQ कट नहीं किया है, यानी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हमने रखे हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कहाँ तक के दिए गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास इसके अंदर हम लोगों की कवरेज है अटेम्प्ट नवंबर 19 तक जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे कवर हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन की रिपीटेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कैसे भी कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन कट नहीं किया गया है। कोई सिलेबस में ना रहा हो तो उसकी बात अलग है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, मेसर्स पिक्चर ट्यूब्स आर द मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्चर ट्यूब फॉर टीवी, फॉर फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग 97, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड इतनी ट्यूब, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 20%, कॉस्ट पर ट्यूब, ये आ गई ओ, 500 रुपये ट्यूब 20%, सी आ गया 100 रुपये, नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, लीड टाइम 6 to 8 वीक। मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान आ रहा हो, ये क्वेश्चन है हमारे पास BQ9 के अंदर भी नॉर्मल यूसेज दी गई थी, ऊपर डिमांड दी गई थी, तो मैं आपको बता दूं ये जो 2000 ट्यूब की डिमांड है ये हमारे लिए इररेलीवेंट है। जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल यूसेज दी जाएगी, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट हम 52 वीक × 100 ट्यूब्स इस तरह से करेंगे तो 5200 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन था श्री राम करके और ये हमारे पास आ गया सेम एज BQ9। देखिएगा, BQ9 में हम लोगों ने क्या किया था, BQ9 के अंदर हमारे पास श्री राम एंटरप्राइजेज था, पहले डिमांड दी थी, फिर सारी चीज़ें दी थी, नॉर्मल यूसेज दी थी, ROQ मांगा था 15% यूनिट पर डिस्काउंट एक्सेप्ट करें या नहीं, फिर ROL मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज स्टॉक वगैरह चीज़ें मांगी थी। PYQ1 EOQ मांगा, अगर 1500 यूनिट दें तो 5% डिस्काउंट एक्सेप्ट करें या नहीं, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड ROL लेवल मांग लिया। 10 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, 98 एंड 2000 में सेम फिगर के साथ आया था, सेम एज BQ9 है। जो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ फिगर बदली गई है, वो होमवर्क में जाएंगे, जो डिफरेंट होंगे वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक क्वेश्चन हुआ जो दो अटेम्प्ट में आ चुका है। PYQ2 पे हम लोग अभी बाद में आते हैं। PYQ3 देखिएगा, PYQ3, जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट। यहाँ पे भी वही डिमांड वाला पॉइंट है कि 4000 यूनिट की डिमांड है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल यूसेज नहीं है, तो ये इस चीज़ से बनेगा, देखते हैं अभी। प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट एक्स, तो ये मंथली डिमांड है फिनिश गुड्स की, इसमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्स की ज़रूरत पड़ती है, विच इज परचेज एट ₹20, जो 20 रुपये का है। हमारा फोकस इस रॉ मटेरियल पर रहेगा। कह रहे हैं फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड, यानी फिनिश गुड्स जरा देखिए कितना चाहिए, मंथली डिमांड है 4000 यूनिट्स, यानी एनुअल हो गई 48000 यूनिट्स, तो 48000 फिनिश गुड्स की हमें पूरे साल में चाहिए, जिसमें रॉ मटेरियल लगेगा हर एक यूनिट पर 1। कह रहे हैं एक फिनिश गुड्स पर 1 यूनिट रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 48000 ही लगेगा। अगर यहाँ ये कह देता 2 यूनिट्स तो मैं इसको 96000 यूनिट कर देता, तो पूरे साल में 48000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 है ओ,
कैरिंग कॉस्ट 10% है, सी इक्वल टू 10% ऑफ 20, ₹2। कह रहे हैं ईओक्यू निकालिए, ये हमें आता है। इफ मिनिमम लोड साइज 4000 सप्लाई करें तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा कंपनी को, यानी ईओक्यू फॉलो ना करें तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी। और तीसरा, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी है जो कंपनी के ऊपर लगेगी। इस तरीके क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। पीवाईक्यू थ्री क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO डिवाइड बाई सी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 48,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट है इस क्वेश्चन में 120, कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ रुपीज 20, 10% ऑफ रुपीज 20, ये हमारे पास आ गया 2 × 48,000 × 120 / 2 = 2400 यूनिट्स। ईओक्यू ए इक्वल्स टू 4000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 48,000 यूनिट्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इफ मिनिमम लोड साइज 4000 हो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर भैया आप एक बार में 4000 यूनिट मंगवाओगे 2400 नहीं, तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ये बात वो आपसे पूछ रहा है। एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको निकालना है, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट आरओक्यू 4000। अगर मैं 4000 यूनिट एक बार में खरीदूं तो मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप 4000 खरीदेंगे तो ए डिवाइड बाई आरओक्यू इंटू ओ प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू इंटू सी। आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन ने डिस्काउंट की बात नहीं की तो परचेज दोनों जगह सेम रहेगी और हमारे को परचेज को कंसीडर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात आती है तो परचेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये मेमोरी में रहना चाहिए कि परचेज को तब कंपेयर करिए जब क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट दियो, अदरवाइज परचेज क्वांटिटी यहाँ पर भी सेम होगी और वहाँ पर भी सेम होगी और कॉस्ट उतनी ही बैठेगी। यानी अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको एक और बार, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वैसे, ये 48,000 यूनिट्स मुझे मंगवानी है, 4000 करके मंगवा रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹120 प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी ₹20 मल्टीप्लाई बाई 10%। ओके, ये मेरे पास निकल कर आ गया इसका टोटल 5,440। तो अगर 4000 यूनिट का ऑर्डर देते हो तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इतनी बियर करनी पड़ेगी। अब ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू, ईओक्यू है 2400 यूनिट्स। क्वेश्चन ने पूछा है अगर 4000 ऑर्डर करनी पड़े तो क्या होगा, अंडर रूट 2AOC सीधा एक ही बार में 2AOC ₹48,000 × 2 × 120 × 10% √। अरे गड़बड़ हो गई, 2 × 48,000 × 120 × 10% 4800। तो वैसे आपकी कॉस्ट 4800 लगेगी, लेकिन अगर आपने 4000 यूनिट मंगवाई तो 1540 लगेगी, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 5440 − 4800 इक्वल्स टू 640। ये है क्वेश्चन का आंसर।
मैंने आपसे कहा था कि इसमें परचेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्डरिंग कैरिंग से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर एक मिनट रुकेगा, अगर मैं यहाँ परचेज जोड़ूँ और यहाँ भी परचेज जोड़ूँ, तो देखिए यहाँ पे परचेज कितनी आएगी, 48,000 यूनिट पूरे साल में 20 रुपये से, और यहाँ भी परचेज कितनी आएगी, 48,000 यूनिट 20 रुपये से। तो बिना बात के दोनों जगह पे परचेज जोड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह इक्वल अमाउंट आएगी, तो हम ऑर्डरिंग और कैरिंग को ही कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 3, थर्ड है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे को समझ में नहीं आ पाता। तो जब उसने पूछा है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, तो आपको क्वेश्चन ने दो लेवल्स इसमें दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 2400 यूनिट EOQ और एक दिया हुआ है 4000 यूनिट्स ROQ। आपको इन दोनों की कैरिंग कॉस्ट दिखानी होती है। तो देखिए आपको लिखना क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट एट 2400 यूनिट EOQ वाली और एट 4000 यूनिट जो दूसरा लेवल दिया गया है। क्वेश्चन ये जानना चाहता है इन दोनों में से कैरिंग कॉस्ट किसकी कम है। तो हाफ ऑफ ROQ इंटू सी, हाफ ऑफ ROQ इंटू सी, हाफ ऑफ 2400 इंटू 10% ऑफ 20 यानी 2 रुपये, हाफ ऑफ 4000 इंटू 2 रुपये, ये हो गया 2400 और ये हो गया 4000। बताइए कौन सस्ता बैठ रहा है। तो आप लिख देंगे कैरिंग कॉस्ट विल बी लोअर एट 2400 यूनिट्स। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट पूछेगा, कई बार मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछ लेगा, तो आपको दो लेवल दिए गए हैं जाएंगे उस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में एक EOQ और एक 4000 यूनिट, आप दोनों पे निकाल कर सामने लिखकर कंपेयर करके बता देंगे कि ज़्यादा कम किस पर आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है, हमेशा EOQ पर कम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। EOQ पर ऑर्डरिंग या कैरिंग कॉस्ट कम नहीं होती, बल्कि उनका टोटल कम होता है। ऐसा हो सकता है कि दूसरा ऑर्डर साइज मान लीजिए 2000 होता, तो इस पर कैरिंग कॉस्ट कम आ जाती, EOQ से कम आ जाती, EOQ पर 2400 और वैसे 2000। तो EOQ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन दोनों का समीशन लोएस्ट होता है, ऑर्डरिंग या कैरिंग कॉस्ट कहीं और भी कम हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों पे निकालेंगे, दोनों पे दिखाएंगे, कंपेयर करके काम खत्म कर देंगे। ये था हमारे पास BQ, PYQ 3, PYQ 4। PYQ 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरे साल की कितनी डिमांड है दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, आपसे EOQ पूछ रहा है, और उसके बाद में EOQ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है, फिर EOQ और नंबर ऑफ यूनिट्स, EOQ पर नंबर ऑफ यूनिट्स डिलीवरी पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है। ये एक लड्डू क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, होमवर्क, स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है, तो PYQ में हमने रखा हुआ है, आपके स्टडी मैट में मटेरियल चैप्टर के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, इसमें कुछ सीखने वाला ऐसा नहीं है। PYQ 5 एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास जहाँ से हम मटेरियल खरीद सकते हैं। ये EOQ या लेवल सेटिंग का क्वेश्चन नहीं, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हम मटेरियल खरीद सकते हैं, आपको उन दोनों सोर्स में से पहचानना है कि सस्ता कहाँ से बैठेगा। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, देखते हैं। अ कंपनी है द ऑप्शन टू प्रोक्योर अ पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्स हैं हमारे पास। सोर्स नंबर 1, सोर्स 1 एश्योर्स दैट डिफेक्टिव्स विल नॉट बी मोर देन 2%, यानी जो सामान हम खरीदेंगे उसमें कोई डिफेक्टेड सामान निकलेगा तो कह रहे हैं 2% डिफेक्टेड निकलेगा। सोर्स 2 डज नॉट गिव एनी एश्योरेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस सप्लाई रिसीव फ्रॉम इट इट इज ऑब्जर्व दैट डिफेक्टिव परसेंटेज 2.8%, लेकिन जो दूसरी सोर्स है उसमें डिफेक्टिव आइटम 2.8% निकलेगा। ओके, मटेरियल इज सप्लाइड इन लॉट ऑफ 1000 यूनिट, आप एक बार मटेरियल खरीदते हो तो उसमें 1000 यूनिट आपको खरीदनी पड़ती हैं।
सोर्स सेकंड सप्लाइज अ लॉट एट अ प्राइस विच इज लोअर बाई रुपीज 100 एज कंपेयर टू सोर्स वन। इन्होंने क्या किया, ये नहीं बताया सोर्स वन हमें कितने में दे रहा है या सोर्स टू कितने में दे रहा है, इन्होंने ये बता दिया कि जो सेकंड सोर्स है वो हमें 100 रुपये सस्ते में सामान दे रहा है, लेकिन साथ के साथ वहाँ पे डिफेक्टिव आइटम पहले वाले सोर्स से ज़्यादा है। इसी का कंपैरिजन आपको करना है। डिफेक्टिव यूनिट ऑफ मटेरियल कैन बी रेक्टिफाइड फॉर यूज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट। 5 रुपये देकर आप डिफेक्टिव यूनिट को ठीक कर सकते हैं। ओके, देखते हैं, आ जाइए PYQ 5 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ऑफ टू सोर्सेज, छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा। पर्टिकुलर्स, सोर्स वन, सोर्स टू। सोर्स वन, सोर्स टू, लॉट साइज 1000 यूनिट्स, डिफेक्टेड यूनिट्स एट 2% इन सोर्स वन एंड 2.8% इन सोर्स टू ऑफ 1000 यूनिट्स। यहां 20 यूनिट और यहां पर 28 यूनिट। तो हम दोनों सोर्स से अगर 1000 यूनिट मंगवाएं, क्योंकि एक बार में 1000 यूनिट आप मंगवा सकते हैं, तो पहली सोर्स में 2% यानी 20 यूनिट खराब हो जाएंगी और सेकंड सोर्स में 28 यूनिट आपकी खराब हो जाएंगी। अब जरा देखिए, करेक्शन कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट एट रुपीज 5 पर यूनिट। बताइए यहां रेक्टिफिकेशन के 100 रुपये लगेंगे, यहां 140। अगर हम यहां देखें तो सोर्स सेकंड महंगा बैठ रहा है क्योंकि वहां पर 140 रुपये खर्च हो रहे हैं जबकि सोर्स वन में 100 रुपये। लेकिन साथ के साथ सोच के देखिए, सोर्स वन में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रही जबकि सोर्स टू में हमें 100 रुपये की डिस्काउंट मिल रही है। क्वेश्चन ने कहा है कि सेकंड सोर्स में आपको 100 रुपये की डिस्काउंट मिल जाएगी, वहां डिफेक्टेड ज़्यादा है, उसको ठीक करने का खर्चा ज़्यादा लगेगा लेकिन डिस्काउंट भी मिल रही है। अब जरा देखिए इफेक्टिव कॉस्ट कितनी बैठी, इफेक्टिव कॉस्ट, तो यहाँ तो 100 रुपये खर्च हो गए रेक्टिफिकेशन के, डिस्काउंट कुछ नहीं मिली, यहाँ 140 खर्च हुए पर 100 रुपये की डिस्काउंट मिल गई 40 रुपये। तो सोर्स सेकंड के अंदर खर्चा इफेक्टिवली कम आएगा। सेलेक्ट सोर्स टू, सेकंड सोर्स जीत गया। ये ना ईओक्यू का क्वेश्चन है ना ही लेवल सेटिंग का, पर एक छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। 5 नंबर से ऊपर अब ये कभी एग्जाम में आने के चांस नहीं है। जब आया था तो 8 मार्क्स में आया था, अब 5 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, PYQ 6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और एग्जाम में 2 बार आ चुका है, RTP में भी कई बार आ चुका है। देखिएगा, अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट ₹60 पर किलोग्राम। कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट 360 एंड 390 पर ऑर्डर। तो इसने क्या करा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के 2 टुकड़े कर दिए, हैंडलिंग कॉस्ट 360 रुपये यानी लोडिंग अनलोडिंग, और फ्रेट लाने ले जाने का खर्चा 390, तो टोटल मिला के 750 रुपये खर्च हो गए। ओके, इसके बाद में कह रहे हैं इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 50 पैसे पर केजी पर मंथ। तो कैरिंग कॉस्ट में कितने हो गए, 50 पैसे पर मंथ, तो पूरे साल में 6 रुपये हो गए, हमें तो साल के चाहिए। चालाकी क्या करिए, इसके साथ में फिर बात को ऐड कर दिया, कह रहे इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹9 पर केजी। देखिए इन्होंने क्या करा, पहले तो इन्होंने बता दी स्टोरेज, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी 50 पैसे पर केजी पर मंथ, तो पूरे साल में 12 महीने में 6 रुपये लग जाएगी,
प्लस इन्होंने उसके साथ में फिर बता दिया अपॉर्चुनिटी या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए कैरिंग कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, स्टोरेज कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ऑप्सिलेंस। तो इन्होंने स्टोरेज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पर ले लिया। कह रहे हैं इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल इज रुपीज 9। कह रहे हैं जो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा हुआ है उसको फाइनेंस करने का, यानी उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 9 रुपये पर केजी लग रहा है, तो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट और स्टोरेज, ये इन्होंने दे दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट के भी 2 टुकड़े करे हुए हैं और कैरिंग कॉस्ट के भी 2 टुकड़े किए हुए हैं, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। कह रहे हैं हमें पूरे साल में 1 लाख यूनिट बनानी है फिनिश गुड्स की, ठीक है जी, बना लो। कह रहे हैं 2.5 यूनिट ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनती है। तो बताइए 1 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स में कितना मटेरियल लगेगा? बहुत सिंपल, 40,000। कैसे निकाला? 1 किलोग्राम में 2.5, तो फिर 1 लाख में कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आ गई। ये एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए इन्होंने ऑर्डरिंग कॉस्ट के 2 टुकड़े करे, 360 प्लस इतना, फिर कैरिंग कॉस्ट को लिया पर मंथ, हमें पर एनम चाहिए होती है, तो पर एनम हो गई 50 पैसे से 6 रुपये। इसके साथ में फिर ऐड कर दिया इसके अंदर 9 रुपये पर केजी और जोड़ लो, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास। फिर इन्होंने कहा कि फिनिश गुड्स की 1 लाख यूनिट बनानी है और 2.5 यूनिट बनेंगी 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से। ये पूरी इस क्वेश्चन की कहानी है। अब हमसे मांग क्या क्या रहा है? सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखिएगा कैसे निकलेगा। PYQ 6, PYQ 6 के अंदर पहला पॉइंट EOQ, 2AO डिवाइड बाई C अंडर रूट 2, एनुअल रिक्वायरमेंट में 40,000 आएगा, वर्किंग नोट में दिखा देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट में 750 आएगा और कैरिंग कॉस्ट में 15, यहाँ आंसर लिखेंगे ए। ए बड़ा सिंपल है, 1 लाख यूनिट फिनिश गुड्स की आपको बनानी है डिवाइड बाई 2.5 बनती हैं 1 किलोग्राम से, तो 40,000 किलोग्राम से बनेंगी ऑफ रॉ मटेरियल। 40,000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से 2.5 यूनिट, 1 लाख यूनिट बन गई। ओ 390 प्लस 360, 750 खर्च होंगे पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट आप लोग बताइए, कैरिंग कॉस्ट 50 पैसे पर मंथ प्लस 9 रुपये अलग से, तो पूरे साल के कितने हो गए? ₹15 पर केजी पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ए भी निकालना पड़ेगा, ओ भी निकालना पड़ेगा और सी भी निकालना पड़ेगा। आंसर हमारे पास आ गया 2000 किलोग्राम, इसलिए ये अच्छे क्वेश्चन में से एक हुआ। पहली रिक्वायरमेंट में तीनों चीज़ें इसने आपसे निकलवाई हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2 में इसने पूछा है एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, कितने फ्रीक्वेंटली हमें ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो एक बात बताइए, पूरे साल में कितनी ज़रूरत है आपको? पूरे साल में आपको 40,000 किलोग्राम की ज़रूरत है। एक बार में 2000 किलोग्राम का ऑर्डर दोगे तो आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, ऑर्डर शेड्यूल, इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर, ये 3 चीज़ें पूछ सकता है वो, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर शेड्यूल एंड इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स। ये तीनों की तीनों चीज़ें इस तरह से निकाली जाती हैं कि 12 महीने में 20 ऑर्डर यानी 0.6 मंथ में 1 ऑर्डर या 365 दिन में 20 ऑर्डर तो 18 दिन में 1 ऑर्डर। तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी,
टाइम इंटरवेल या ऑर्डर शेड्यूल, आ जाइए लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये आपसे ऑर्डर शेड्यूल पूछता है, कई बार इंटरवेल बिटवीन टू ऑर्डर्स। अगर इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछना है तो सीधे बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ डिलीवरीज। अगर कभी भी हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड लिखा है तो बच्चा इसको ये ना समझे कि नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है। तो हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, इट मींस ऑर्डर शेड्यूल पूछ रहा है कि कितने दिन में एक ऑर्डर देना है। बड़ा सिंपल सा होता है, महीने में या दिन में किसी में भी निकालिए। तो हम निकाल देते हैं 12 मंथ्स, महीने में कितने महीने में एक बार होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 मंथ्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर का वर्किंग नोट आप दिखा देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू। पूरे साल में 40,000 किलोग्राम मंगवाना है, मैं 2,000 मंगवाता हूँ, इट मींस मुझे 20 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, डिवाइड बाई 20, 0.6 मंथ। तो आपको 0.6 मंथ में एक ऑर्डर देना पड़ा करेगा। सेकंड पॉइंट, डेज में, अगर डेज में निकालना है तो 18 दिन में एक बार। इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट ही इस क्वेश्चन की जान है, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट कर लें, अच्छे क्वेश्चंस में से एक रहेगा ये। देखिएगा, सी क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। कंपनी अगर क्वार्टरली ऑर्डर दे, एक बात बताइए, क्वार्टरली ऑर्डर देगी यानी साल में 4 ऑर्डर, तो एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगवाई गई, 10,000। तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 4 ऑर्डर में काम खत्म करेंगे। तो कह रहे हैं अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर दें, वॉट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन प्राइस शुड बी नेगोशिएटेड, हमें कितने परसेंट डिस्काउंट सामने वाले से मांगना चाहिए। तो देखिए, आपको सामने वाले से कितना डिस्काउंट मांगना है उसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है। तो हमें क्या करना होगा, ये है EOQ, EOQ पे खर्चा सबसे कम बैठना चाहिए। हम ये देखेंगे कि अगर हम EOQ से 10,000 किलोग्राम पे स्विच करते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगेगा। जितना आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा उतनी डिस्काउंट आपको मांग लेनी चाहिए। इसे कैसे करेंगे जरा देखिएगा, पॉइंट नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन ने कहा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप निकालिए एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट 10,000 किलोग्राम्स ROQ माइनस ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट EOQ। अब देखिए, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग 10,000 पर कैसे निकलेगा, ए डिवाइड बाई ROQ मल्टीप्लाई बाई ओ प्लस हाफ ऑफ ROQ मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये तो आ गया 40,000 यूनिट को अगर 10,000 किलोग्राम करके मंगवाओगे तो, माइनस अंडर रूट 2 ए ओ सी माइनस अंडर रूट 2 ए ओ सी। तो ये हमारे पास आ गया 40,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 750 और 10,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, 78,000 लग रहा है खर्चा अगर 10,000 करके मंगवाऊँ तो। और इस पर 40,000 इंटू 2 इंटू 750 इंटू 15 अंडर रूट, इस पे लग रहा है खर्चा जी 30,000। एक्स्ट्रा कॉस्ट 48,000 रुपये आपकी खर्च होगी। देखिए,
आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट 48,000 रुपये खर्च होने वाली है ऑर्डरिंग और कैरिंग, अगर आप ईओक्यू की जगह 10,000 किलोग्राम का ऑर्डर दें तो बताइए जितनी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उतनी ही तो मुझे डिस्काउंट चाहिए। तो बताइए सामने वाले से क्या कहिए कि मुझे 48,000 रुपये की डिस्काउंट दो। क्वेश्चन ने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट नहीं पूछा, अगर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा होता तो काम खत्म हो जाता। क्वेश्चन ने पूछा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय परचेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए 48,000 की डिस्काउंट चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100, परचेज कॉस्ट कितनी है 40,000 किलोग्राम 60 रुपये, परचेज प्राइस क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया है 60 रुपये पर केजी, तो 40,000 किलोग्राम सामान खरीदते हो आप 60 रुपये से, यानी 48,000 की डिस्काउंट चाहिए 24,00,000 रुपये की परचेज पर, 48,000 की डिस्काउंट 24,00,000 की परचेज पर, 2% डिस्काउंट मुझे चाहिए। क्वेश्चन PYQ 6 खत्म, एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लें। ठीक, PYQ 6 के बाद में हमारे पास है PYQ 7। PYQ 6 के बाद हमारे पास है PYQ 7, देखिएगा PYQ 7 आ जाइए। PYQ 7 बहुत ध्यान से देखेगा, द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट विच हैज स्टेडी मार्केट 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट क्वार्टरली प्रोडक्शन है, ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। अब जरा बताइए फिनिश्ड गुड्स पूरे साल में कितना, 80,000 यूनिट पर एनम, एक क्वार्टर में 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो पूरे साल में 80,000। बताइए रॉ मटेरियल लग रहा है आधा किलोग्राम, तो बताइए रॉ मटेरियल कितना, 40,000 किलोग्राम पर एनम रॉ मटेरियल लगेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100, ओ आ गया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ₹2 पर केजी, ठीक है, लीड टाइम फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 36 डेज, 36 डेज का लीड टाइम लगता है, सेफ्टी स्टॉक 1,000 किलोग्राम, सेफ्टी स्टॉक इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया, रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड बाय कंपनी, दिस कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर विद द रॉ मटेरियल सप्लायर, अप टू 6,000 किलोग्राम कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी। ओके, 6,000 टू 8,000 में 400, 8 to 16 ऐसे इन्होंने स्लैब दे दिया। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ऐसा लगेगा ये वही क्वेश्चन है जो इकोनॉमिकल परचेज लेवल वाला था, तो बता दूं ये वो क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन के अंदर या तो अलग अलग प्राइस बताया जाता था या फिर डिस्काउंट बताई जाती थी तो भी प्राइस दिया होता था जिसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर दें। देखिए दिखने में क्वेश्चन वैसा ही है पर क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन में या तो प्राइस बता दिया जाएगा अलग अलग या फिर डिस्काउंट बताई जाएगी तो भी प्राइस तो दिया जाएगा। इस क्वेश्चन ने एग्जाम में आया PYQ 7 2002 में, इसने क्या किया जानबूझ के प्राइस गायब कर दिया कि अब बच्चा फंसेगा। ओके, अब जरा देखिए हुआ क्या सीन, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले रीऑर्डर पॉइंट निकालो, एक महीने में 30 दिन है, ठीक है जी, एक महीने में 30 दिन का मतलब होता है एक साल में 360 दिन होना, तो एक महीने में 30 दिन यानी 360 दिन पर एनम। ओके, रीऑर्डर पॉइंट यानी ROL, क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो बताइए ROL कैसे निकलेगा, फर्स्ट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक वाला क्वेश्चन है। ओके, एवरेज कंजम्पशन, तो भैया वापिस आते हैं फिर से, एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा
जिसमें आपको निकालनी पड़ेगी पॉइंट नंबर ए, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन देखेगा, एनुअल कंजम्पशन इक्वल्स टू 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन वन क्वार्टर मल्टीप्लाई बाई फोर क्वार्टर्स। एक साल में चार क्वार्टर हो गए तो ये हमारे पास हो गया 80,000 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मल्टीप्लाई बाई 0.5 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हमें पूरे साल में 40,000 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। पूरे साल में 40,000 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन बताइए, 40,000 किलोग्राम पूरे साल में यानी 360 दिन में, तो एक दिन में कितना आएगा 40,000 डिवाइड बाई 360, 111.11। ओके, क्वेश्चन कह रहा है लीड टाइम 36 डेज, कह दिया लीड टाइम 36 डेज है, ना तो ये बताया मैक्सिमम है मिनिमम है या एवरेज है। तो अब बताइए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी को एवरेज मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को सामान मंगवाने में 36 दिन लगते हैं। अब जरा देखिए, ये मेरे पास बन गया एवरेज कंजम्पशन 111.11 मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम 36 डेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन ने बता दिया 1000 किलोग्राम, तो ये मेरे पास हो गया 40,000 डिवाइड बाई दिस प्लस 1000, यानी मेरे को 5000 किलोग्राम का ROL रखना होगा। ये हुआ इसका पॉइंट नंबर वन, अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर वन ROL, सेफ्टी स्टॉक दिया गया था, एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर टू, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर टू है, देखिएगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट में तो भाई साहब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज कॉस्ट गायब है। तो स्टडी मेट ने इसके आगे बोला, क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट इफ द कंपनी इलेक्ट टू प्लेस 1, 4, 1, 2, 4 और 6 ऑर्डर्स इन अ ईयर। अगर आप साल में एक ऑर्डर देते हो, दो ऑर्डर देते हो, चार ऑर्डर देते हो और छह ऑर्डर देते हो, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टोरेज डिस्काउंट के बाद निकालना है। अब जब देखिए, अगर आप साल में एक ऑर्डर दोगे तो बताइए, पूरे साल में 40,000 मंगवाना है तो आप 40,000 ही एक बार में मंगवा लोगे। अगर आप दो ऑर्डर देते हो तो बताइए कितना मंगवाओगे एक बार में, 20,000। आप चार ऑर्डर देते हो तो एक बार में कितना मंगवाओगे, 10,000। 40,000 टोटल चाहिए, एक ऑर्डर में पूरा 40 मंगवाना पड़ेगा, दो में 20-20 करके, चार में 10-10 करके और छह ऑर्डर में 40,000 डिवाइड बाई 6, 6,667 आपको एक बार में मंगवाना पड़ेगा। तो अब जो क्वेश्चन हमने देखा था मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल अपना BQ, उसमें और इसमें क्या फर्क है, वहां हमारे पास हमें निकालना पड़ता था लोएस्ट रेंज हाईएस्ट रेंज। यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर इसने खुद ही आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर से क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसके अंदर कैसे प्रेजेंटेशन होगी इस क्वेश्चन की, वो देखना होगा हमें। देखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, चार ऑर्डर है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, वन ऑर्डर, तो वन ऑर्डर का मतलब ROQ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यहां लिखी देता हूं, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर्स, फोर ऑर्डर्स एंड सिक्स ऑर्डर्स पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ROQ, तो भैया एक ऑर्डर में मंगवाओगे तो 40,000 इन किलोग्राम्स, दो ऑर्डर में मंगवाओगे तो 20-20, चार में 10-10, छह में 6667। ओके, अब मेरे पास परचेज कॉस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स या फिर A डिवाइड बाई ROQ इंटू O,
पर ऑर्डर कॉस्ट है 100 रुपये, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाई 100 रुपये। तो एक ही ऑर्डर दिया है तो 100 रुपये खर्च होंगे। ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू इंटू ओ भी कर सकते हो, 200, 400 और 600, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के अंदर देखिए अगर सेफ्टी स्टॉक होता है तो कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है। अब इसमें कैरिंग कॉस्ट दो चीजों की लगेंगी, ए हाफ ऑफ आर ओ क्यू इंटू सी, और दूसरी कॉस्ट लगेगी सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने की, सेफ्टी स्टॉक इंटू सी। बात को समझिएगा जरा, देखिए आपने 40,000 यूनिट मंगवाई, ये मंगवा लिया दी आपने 40,000 किलोग्राम, ठीक है। इसका तो एवरेज पे कॉस्ट निकाल देते हैं हम, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट 2 रुपये पर के जी 2 रुपये। देखिए आर ओ क्यू की कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आर ओ क्यू आया फिर कम, आया फिर कम, तो उसकी तो 1/2 निकाल देते हैं। लेकिन सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन ने बोला 1000 यूनिट है, इसका मतलब होता है हमने 1000 यूनिट रिजर्व में अलग से रखी हुई है, तो भाई साहब वो 1000 यूनिट पर 1/2 नहीं लगता क्योंकि वो पूरे साल मेंटेन रहता है। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आपको बताएगा सेफ्टी स्टॉक है तो सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट 1000 किलोग्राम है तो वो पूरे साल रखने के 2 रुपये से आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट अलग से है, तो कभी भी सेफ्टी स्टॉक होगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इसका 40,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000। ऐसे ही अब सेफ्टी स्टॉक तो सब जगह सेम रहेगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर के हिसाब से बदल जाएगी, तो हाफ ऑफ 20,000 इंटू 2 एंड हाफ ऑफ 10,000 इंटू 2 एंड हाफ ऑफ 6667 इंटू 2। तो ये हमारे पास आ गया भैया 20,000, 10,000 एंड 6667, इसे हम जोड़ देंगे, ये हमारे पास ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आ गई 42,100, 22,200, 12,400, 9,2,67. अब करेंगे लेस डिस्काउंट और यहां हमारे पास आ जाएगी नेट कॉस्ट, यहां हमारे पास आ जाएगी नेट कॉस्ट। देखिएगा आपको आराम से जाके देखना है कि अगर मैंने एक ऑर्डर दिया पूरे साल में यानी 40,000 यूनिट का ऑर्डर दिया तो मैं कौन से स्लैब में आऊंगा। तो अगर आपने 40,000 का ऑर्डर दिया तो आप आएंगे 30 से 45 वाले में और आपको 4,000 की डिस्काउंट मिलेगी। मैं जाऊंगा यहां पर और 4,000 की डिस्काउंट माइनस कर दूंगा यानी मेरी कॉस्ट बैठेगी 38,100। इसके बाद में मैं दूसरे वाले में देखूंगा 20,000, 16 से 30 के बीच में 3200, तो यहां पर मेरी को 3200 की डिस्काउंट मिल जाएगी। इससे अगले वाले में मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगी 2000 की और इससे अगले वाले में 400 रुपये, यानी मेरे को यहाँ पर पड़ेगा ये 19,000 का, ये 10,400 का और ये 8,867 का। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि अगर एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, चार ऑर्डर और छः ऑर्डर दें तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी नेट ऑफ डिस्काउंट, तो हमने नेट ऑफ डिस्काउंट कॉस्ट आपको बता दी है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, बढ़िया क्वेश्चन था। सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी हो गई, फर्स्ट हो गई, अब रिक्वायरमेंट नंबर सी। रिक्वायरमेंट नंबर सी में इसने देखिए क्या कहा है, रिक्वायरमेंट नंबर सी में इसने बोला है स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये बताइए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने चाहिए। तो भाई 1, 2, 4 या 6 बताइए कितने करने चाहिए। कह रहे हैं विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो कंपनी को कॉस्ट कम करने के लिए कितने ऑर्डर देने चाहिए। तो जरा देखिए कौन सा सबसे सस्ता है, ये वाला सबसे सस्ता है, तो मेरे को 6 ऑर्डर देने चाहिए। कह रहे हैं कि आफ्टर टेकिंग ईओ क्यू इंटू कॉन्सिडरेशन, ओहो कह रहे हैं पहले ईओ क्यू पे भी चेक कर लो कॉस्ट कितनी आ रही है। वैसे मैं 6 ऑर्डर बोलने वाला था पर इसने आगे लिख दिया आफ्टर टेकिंग ईओ क्यू इंटू कॉन्सिडरेशन।
अब मुझे निकालनी पड़ेगी कॉस्ट एट ई ओ क्यू। बताइए ई ओ क्यू पर कॉस्ट निकालने का क्या तरीका? ई ओ क्यू पर कॉस्ट निकालने का तरीका है अंडर रूट टू ए ओ सी प्लस, मैं आपको बता दूं ये नई चीज आपके सीखने के लिए है, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर कैरिंग कॉस्ट भी तो लगेगी इनटू सी, ये एडिशनल है। तो ऊपर भी हमने ऑर्डरिंग और कैरिंग के अलावा सेफ्टी स्टॉक अलग से लिया था उसकी कैरिंग कॉस्ट, तो जब भी क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आएगा उसको मेंटेन करने की कैरिंग कॉस्ट अलग से लगेगी और उसका एवरेज नहीं करेंगे क्योंकि वो कम या ज़्यादा नहीं होता बल्कि पूरे साल अलग से मेंटेन रहता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 40,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई सी 2 रुपये अंडर रूट प्लस 1000 किलोग्राम को मेंटेन करने के 2 रुपये अलग से, 40,000 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 2 अंडर रूट 4000 प्लस 2000 6000 रुपये ईओ क्यू पर खर्च होंगे। अब मुझे बताइए ईओ क्यू पर 6000 रुपये खर्च हो रहे हैं और इस पर 38, इस पर 19, इस पर 10 और इस पर 8000, यानी सबसे सस्ता हमें ईओ क्यू बैठ रहा है। क्वेश्चन ने कहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ, तो भैया नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताने के लिए मुझे लेना पड़ेगा ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू। तो ए है पूरे साल में 40,000 किलोग्राम, बताइए मुझे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देने हैं, तो मुझे ईओ क्यू को फॉलो करना है। अब मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा ई ओ क्यू अंडर रूट टू ए ओ डिवाइड बाई सी टू 40,100 डिवाइड बाई टू अंडर रूट इक्वस टू 40,000 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई टू अंडर रूट 2000 किलोग्राम। तो 2000 किलोग्राम इक्वस टू 20 ऑर्डर्स, आपको 20 ऑर्डर्स देने चाहिए, यानी अगर मेरे को कॉस्ट कम चाहिए तो 1, 2, 4 या 6 नहीं, मेरे को 20 ऑर्डर प्लेस करने चाहिए। PYQ7 एक बेहतरीन क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास PYQ8 देखिएगा, PYQ8 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये BQ9 है बस विदाउट डिस्काउंट है। BQ9 में क्या था, डिस्काउंट भी थी। BQ9 PYQ1 को बोल रहा हूँ मैं, PYQ1 या BQ9 हमारे एक ही क्वेश्चन है, बस वो डिस्काउंट के साथ थे, ये बिना डिस्काउंट के हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको पहले कुछ यूनिट्स बताएगा उस पर ध्यान नहीं देना बल्कि आपको एवरेज कंजम्पशन से ए निकालना है। तो ए इक्वल टू 275 किलोग्राम एवरेज कंजम्पशन है पर वीक, ओके, और साल में 52 वीक। तो ये वही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। PYQ9 बेहतरीन क्वेश्चन, PYQ9 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और RTP में कई बार आया हुआ है, एग्जाम में सिर्फ एक बार आया है। देखिएगा, IPL लिमिटेड यूज स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड गुड्स, कास्टिंग आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री, IPL लिमिटेड परचेज 54,000 कास्टिंग पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800। तो 5400 हम पूरे साल में रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, यहाँ रॉ मटेरियल है कास्टिंग, ए आ गया। कास्टिंग यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर, इवनली का मतलब होता है इक्वल लेवल पर। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 ईयर बेसिस, तो 54,000 डिवाइड बाई 360 यानी डेली 150 कास्टिंग इस्तेमाल होती हैं, ना ज़्यादा ना कम। इवनली का मतलब है कि पूरे साल में 54,000 इस्तेमाल करते हैं 360 दिन में, यानी रोजाना 150 यूनिट इस्तेमाल होती हैं इवनली, यानी ना कम ना ज़्यादा। तो हमारी ऐसी फैक्ट्री है जिसे ना ज़्यादा की ज़रूरत है ना कम की ज़रूरत है, पूरे साल एक जैसा ही प्रोडक्शन करती है, तो ठीक है, अच्छी बात है। द कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर, ओ आ गया, परचेज ऑर्डर प्लेस करने में 9,000 रुपये लगेंगे एंड 300 टू कैरी वन कास्टिंग इन स्टॉक फॉर वन ईयर, कैरिंग कॉस्ट लगेगी 300 रुपये पूरे साल के लिए। यहाँ तक के पैराग्राफ से
आप लोग निकाल सकते हैं EOQ। तो पहले हम EOQ निकाल देते हैं, उसके बाद में इसकी कहानी पढ़ेंगे आगे की। PYQ 9 देखेगा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट फर्स्ट EOQ 2AO डिवाइड बाई सी 2, पूरे साल में 54,000 परचेज करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000, कैरिंग कॉस्ट ये है हमारी 300 पर यूनिट पर एनम इक्वल्स टू 2 × 54,000 × 9,300 अंडर रूट 1800 कास्टिंग, 1800 कास्टिंग ये हमारे पास आ गया EOQ। इसके आगे की कहानी बड़ी अलग टाइप की कहानी है, ऐसी कहानी आपने कभी किसी क्वेश्चन में पढ़ी नहीं होगी। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन एंड फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो कह रहे हैं ये जो कैरिंग कॉस्ट 300 रुपये आई है, ये इसलिए आइए क्योंकि हमें टेम्परेचर वगैरह सेट रखना पड़ता है और इंश्योरेंस महंगा होता है, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी कैरिंग कॉस्ट 300 रुपये क्यों आई है हमें इससे मतलब नहीं, कैरिंग कॉस्ट 300 रुपये पर यूनिट है और वो फॉर्मूले में लगानी है, इससे मतलब है। ओके, यहां से है कहानी शुरू, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं डिलीवरी फ्रॉम फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज जनरली यानी एवरेज। तो एवरेज डिलीवरी पीरियड 6 डेज है एंड मैक्सिमम 10 डेज है। ओके, तो ये बता दिया। आगे कह रहे हैं द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। कह रहे हैं कि हम आपको कितने दिन में सामान डिलीवर हो जाता है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं डिलीवरी टाइम 6 दिन में सामान डिलीवर हो जाता है, इसके चांस हैं 75%। तो 75% सामान 6ठे दिन डिलीवर हो जाता है, लेकिन 7वें दिन डिलीवर हो ऐसा 10% हुआ है, 8वें दिन डिलीवर हो 5% हुआ है, 9वें दिन डिलीवर हो 5% हुआ है और 10वें दिन डिलीवर हो ऐसा 5% हो सकता है। तो 75, 10, 85, 5, 90, 5, 95 और 5, 100 100% ये कन्फर्म है कि 10 दिन के अंदर सामान डिलीवर हो जाएगा। ओके जी, अब क्वेश्चन की जरा रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखिए। एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। कंपनी कह रही है कि हम 15% रिस्क लेने को तैयार हैं कि अगर हम स्टॉक आउट हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब आप 15% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, मैं ये दोनों चीजें आपको आराम से समझाता हूं। जरा देखिए, लिखते रहिएगा साथ के साथ। ये देखिए, डिलीवरी डेज 6, 7, 8, 9, 10 परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, यहां डिलीवर हो जाएगा 75% चांस है, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ नॉन डिलीवरी, डिलीवर नहीं होगा इसके कितने चांस है 25%, यही है रिस्क। तो डिलीवरी के चांस हैं 75% और नॉन डिलीवरी के चांस हैं 25%, यही रिस्क है। 7वें दिन डिलीवर हो जाएगा 10% चांस और बढ़ गए, तो आप और 10% सेफ हो गए। अब बताइए, पहले 75% चांस थे सामान आ जाएगा 6ठे दिन, 7वें दिन सामान आने के चांस 10% और ऐड हो गए कि 10% और ऐड हो गया, यानी अब रिस्क रहा 15%। इसके बाद में 8th डे पे सामान आ जाएगा, इसके चांस है 5% और 5% ऐड हो गया तो रिस्क 10% रह गया, और 9th डे पर फिर 5% चांस है आ जाएंगे तो सामान ना आने का चांस 10% है, और 10वें दिन 5% और ऐड हो गया, कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क, 10 दिन पे सामान आ जाएगा, 0% रिस्क। आराम से बात को समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको रीऑर्डर पॉइंट यानी ROL लिखवाता हूं।
आर्गो ऑयल का फॉर्मूला क्या है, ऊपर का ये लिख लीजिएगा आप लोग। आर ओ ऑयल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन है 54,000 डिवाइड बाई 360, 150 यूनिट पर डे। एवरेज लीड टाइम है 6 डेज। क्वेश्चन ने कहा है जनरली सामान 6 दिन में आ जाता है, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम हमारे पास आ गया। अब बात आती है प्लस सेफ्टी स्टॉक की। सेफ्टी स्टॉक देखिए, सेफ्टी स्टॉक कंपनी के हाथ में होता है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब है कंपनी अपनी मर्जी से अपने को सेफ रखने के लिए कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहती है। तो ये कंपनी के हाथ में कि कंपनी कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहती है। इसके अंदर मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। जब देखिए एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम आपने 6 दिन ले लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 6 दिन में सामान आ जाता है, ये ऑन एन एवरेज बात है। ओके, अब बताइए 6 दिन में सामान ना आया तो कौन से दिन आएगा, 7th, 8th, 9th या 10th दिन पर। इसी बात का हमें रिस्क है। अगर 6 दिन सामान नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम रखते हैं सेफ्टी स्टॉक कि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो हम सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कायदे में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में सामान आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 10th डे पे सामान आ जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि अगर आप एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम 6 डेज के हिसाब से निकाल रहे हैं, इट मींस आपने 6 दिन को तो सेफ कर लिया कि भाई 6 दिन का सामान तो हम रख लेते हैं, प्लस सेफ्टी स्टॉक बताइए कितने दिन का रखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर कंपनी को कोई रिस्क नहीं चाहिए तो वो 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख ले। अब बताइए मैं सामने वाले को फ़ोन कब करूंगा, हेलो सप्लायर सामान भेज दो 6 दिन, प्लस 4 दिन का मेरे पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा है। 6 दिन में सामान आ गया तो ठीक, नहीं आया तो 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, किसी दिन तो आएगा। तो अगर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन आया तो मेरे को कोई रिस्क नहीं है। रीजन, 4 दिन का सामान मेरे पास गोडाउन में अलग से सेफ्टी स्टॉक में रखा है। तो अगर आप जीरो रिस्क चाहते हैं तो आप 4 दिन का सामान सेफ्टी स्टॉक में रख लीजिए। अगर आप कह रहे हो कि नहीं भाई 4 दिन का सामान मुझे नहीं रखना, हम बोले कि भाई साहब सामान खत्म हो सकता है, आपको रिस्क है, बोले नहीं थोड़ा मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, वो कह रहे हैं मैं 5% रिस्क ले लूँगा। तो अगर आप 5% रिस्क ले लेंगे तो आप 3 दिन का सामान सेफ्टी स्टॉक में रखिए। 10वें दिन सामान आ गया तो आपका सामान खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए एक बंदे ने कहा मैं 5% रिस्क लेने को तैयार हूँ और मैं 3 दिन का स्टॉक रखूँगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, 6 दिन के हिसाब से ऑर्डर दिया, सामान 6 दिन नहीं आया, 7वें दिन आया कोई दिक्कत नहीं, 8वें दिन आया कोई दिक्कत नहीं, 9th डे पर आया कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन का तो सेफ्टी स्टॉक है। लेकिन दोस्तों अगर 10वें दिन आ गया तो आपको 1 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी क्योंकि सेफ्टी स्टॉक 3 दिन का था, 10वें दिन के लिए कोई स्टॉक अवेलेबल था ही नहीं, तो आपके ऊपर रिस्क है। सामने वाली पार्टी कहती है नहीं जी हम ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं 10% रिस्क। तो अगर आप 10% रिस्क लेना चाहते हो तो 2 दिन का सामान सेफ्टी स्टॉक में रखो, ठीक है। सामने वाली पार्टी बोली नहीं हम और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, सामने वाली पार्टी बोली हम 15% रिस्क लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 दिन का सामान सेफ्टी स्टॉक में रखो। सामने वाली पार्टी बोली मैं 25% रिस्क लेना चाहता हूं, तो अगर आप 25% रिस्क लेना चाहते हैं तो सेफ्टी स्टॉक में कुछ रखिए ही मत। तो अब जरा देखिए ये टेबल इस तरह से डिजाइन होकर आपको मिलेगी, आपको टेबल को देखकर समझना आना चाहिए। एग्जामिनर आपके सामने क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका रहेगा। देखिए डेज लिखे होंगे, जो पहला है वो एवरेज डे होगा, इसके नीचे आप रिस्क को अपने दिमाग से समझ सकते हैं। 25% चांस तो 25%, 75% आएगा यानी 25% नहीं आएगा, 25% रिस्क है। 7वें दिन 10% ऐड हो गया तो वो रिस्क को कम करेगा, 15% रिस्क, फिर 10%,
5% और यहां पर कोई रिस्क नहीं, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना है? कोई रिस्क नहीं चाहिए तो 4 दिन का। एवरेज कंजम्पशन में 6 दिन तो ऑलरेडी कंसीडर हो गए हैं। अगर आपको 5% रिस्क लेना है तो 1 दिन हटा दो, 3 दिन कर दो। 10% लेना है तो ये 2 दिन हटा दो, 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक। 15% रिस्क लेना है तो ये 3 दिन हटा दो। इस तरह से ये पूरी टेबल आपकी काम करेगी। तो हमने ये टेबल बना ली थी, अब जरा ये टेबल हमारे पास है, सेफ्टी स्टॉक हमें निकालना है। जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़िए कि क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी 15% रिस्क लेने को तैयार है। तो अगर आप 15% रिस्क लेने को तैयार हैं 6th डे के बाद, तो आपको 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना होगा बस। 7वें दिन का सेफ्टी स्टॉक रखिए, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप विद 15% रिस्क, तो अगर आप 15% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो देखिए एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम 6 दिन प्लस सेफ्टी स्टॉक 1 डे, 1 डे मल्टीप्लाई बाई 1 दिन में कितनी कास्टिंग 150, तो आप 150 कास्टिंग रख लीजिए सेफ्टी स्टॉक में। ये 1 डे कौन सा दिन है? 7th डे। यहां पर सेफ्टी स्टॉक आ गया 150 कास्टिंग। तो हमारा ROL कितना आया? ROL आया एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम 6 दिन, 6 दिन तो है ही है, 150 यूनिट हमने सेफ्टी स्टॉक में रखी हैं, इससे हमारे पास ROL आ जाएगा। तो सेफ्टी स्टॉक हुआ इस क्वेश्चन में 150 और हमारे पास ROL आ गया 1050 कास्टिंग। एक डिफरेंट ही क्वेश्चन है ये, इसकी आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी तो आप सीख जाएंगे। ये हमारे पास आ गया यहां तक। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 फिर से यही है, तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी फिर से यही है, और तीसरी रिक्वायरमेंट से आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। जरा देखिए तीसरी रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सोचो कि कंपनी 5% रिस्क लेने को तैयार है। तो अगर कंपनी 5% रिस्क लेने को तैयार है तो इसका मतलब कहां पर आ गए हम? यहां पर। अगर कंपनी 5% रिस्क लेने को तैयार है तो कंपनी को 3 दिन तक का स्टॉक मेंटेन करना होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फिर से वही, रीऑर्डर पॉइंट बताइए, रीऑर्डर पॉइंट। तो भाई रीऑर्डर पॉइंट हम आपको बता चुके हैं 54,000 पूरे साल में, तो 6 दिन में कितनी प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक बदल जाएगा, अब आपका सेफ्टी स्टॉक विद 5% रिस्क, विद 5% रिस्क। बताइए 5% रिस्क लेना चाहते हो तो 3 डेज स्टॉक मेंटेन करना होगा, 150 कास्टिंग, 450 कास्टिंग आपको स्टॉक में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो कितने दिन का स्टॉक रखना होगा? 4 दिन, 7th, 8th, 9th और 10th, चारों दिन का रखने तो कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। ये आ गया हमारे पास 900 प्लस 450, 1350 कास्टिंग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इससे बेहतरीन क्वेश्चन PYQ में कोई भी नहीं है, पास्ट ईयर क्वेश्चन का सबसे बेहतर है। हमने PYQ का कोई भी क्वेश्चन नहीं हटाया, ना ही हम फास्ट चेक के अंदर कोई ऐसा कर रहे हैं कि आसान आसान क्वेश्चन करवाएं। हम सारे क्वेश्चन की कवरेज लेके चल रहे हैं, बस कम समय में किस तरह से ज़्यादा नॉलेज आपको दी जा सकती है और एग्जाम में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकता है, उस तरीके के डिजाइन को हमने फास्ट चेक का नाम दिया हुआ है। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इररेलीवेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाया जाएगा, और इसी में से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में नजर आ जाएंगे। मुझे चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और स्पीडी वर्क करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। देखिएगा फोर्थ, 5% स्टॉक आउट अगर हो रिस्क वाला, यानी जो थर्ड पॉइंट हमने किया है, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर की ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकालिए। देखिए ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विद
5% रिस्क। देखिए आप ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं, जब आप ईओक्यू फॉलो करते हैं तो इसका सिंपल सा तरीका होता है एओसी, अंडर रूट टू एओसी, ये ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दे देगा। लेकिन क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक भी है, ये 5% रिस्क इसीलिए दिया है जिससे आप सेफ्टी स्टॉक इनटू सी को भी ऐड कर दें। तो यहां पर हमारे पास आएगा 2 × 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000, कैरिंग कॉस्ट 300, प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना रखा आपने, सेफ्टी स्टॉक रखा 450 कास्टिंग, उसको मेंटेन करने के 300 रुपये अलग से और लगेंगे। 54,000 × 2 × 9,000 × 300 अंडर रूट 540,000 प्लस ये जो 450 कास्टिंग आपने रखी हैं, इसके 135,000 रुपये और लगेंगे, 6,75,000। तो जब भी सेफ्टी स्टॉक होता है आपकी जो कॉस्ट लगती है वो तो लगती ही है, प्लस एक एडिशनल कैरिंग कॉस्ट और लग जाती है। फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चन के फिफ्थ पॉइंट ने दोबारा से बच्चे से कैलकुलेशन करवा दी, बोले रेफर टू ओरिजिनल डेटा, एज्यूम दैट यूजिंग री इंजीनियरिंग प्रोसेस द कंपनी रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेज ऑर्डर टू ओनली 600। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 से 600 रुपये हो जाए। इन एडिशन कंपनी एस्टिमेट दैट वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी कॉज इन इन्वेंट्री, कंसीडर ट्रू कैरिंग कॉस्ट इज 720, कैरिंग कॉस्ट अब 720 हो गई। तो कैरिंग कॉस्ट 300 थी और ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 थी, वो 9,000 से 600 रुपये कर दी और सी को इन्होंने 300 से 720 कर दिया। कह रहे फिर से ईओ क्यू निकालो, सिर्फ 9 नंबर दे रहे हैं, गलत बात है। इतनी मेहनत करवा के 9 नंबर दे रहे हो, बार बार ईओ क्यू निकलवा रहे हो, इतना कुछ निकलवा रहे हो, गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं, ICI को हम कुछ नहीं कह सकते। ईओ क्यू इक्वल्स टू 2AO/C इक्वल्स टू 2,54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास अब बदल गई है और वो हो गई है हमारे पास 600 रुपये और कैरिंग कॉस्ट हो गई है 720 रुपये। आंसर इज 300 कास्टिंग। ओके, दोबारा से ईओ क्यू निकाल दिया, भाई साहब और कुछ भी निकलवाना है तो वो भी बता दो। तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल निकलवाएंगे। देखिए कह रहे हैं हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। तो पहले आप कितने दिन में ऑर्डर देते थे और अब आप कितने दिन में ऑर्डर दोगे। तो पहले जरा देखिए आपका ईओ क्यू कितना था। तो हमारा ईओ क्यू था पहले 1800 और अब हमारा ईओ क्यू है 300। आ जाइए पॉइंट नंबर बी। देखिए पहले मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी। 54,000 यूनिट 1800 करके मंगवाते थे, अब 54,300 करके मंगवाएंगे। तो पहले 30 ऑर्डर देते थे साल में और अब 180 ऑर्डर देंगे एक साल में। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ फ्रीक्वेंटली, तो हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब मैंने आपको बताया, जब भी ऐसे बोलेगा यानी कितने दिन में ऑर्डर देते हो। तो ऑर्डर शेड्यूल, ओल्ड पॉलिसी 360 डेज, क्वेश्चन ने बोला है कि साल में 360 डेज लेने हैं, डिवाइडेड बाई 30 ऑर्डर, तो पूरे साल में 30 ऑर्डर देते थे यानी 12 दिन में एक ऑर्डर आपका दिया जाता था, इसे कहते हैं ऑर्डर फ्रीक्वेंसी या ऑर्डर शेड्यूल। न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के अंदर 360 दिन में 180 ऑर्डर आप दे रहे हो यानी हर 2 दिन पर एक ऑर्डर दे रहे हो। तो ओल्ड पॉलिसी में आप 12 दिन में एक ऑर्डर देते थे, न्यू पॉलिसी में आप 2 दिन में एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों का कंपैरिजन, तो यहां पर हम लिख देंगे वी हैव टू प्लेस, वी हैव टू प्लेस ऑर्डर आफ्टर
आफ्टर एवरी टू डेज इन स्टीड ऑफ 12 डेज अंडर ओल्ड पॉलिसी। तो पहले हम 12 दिन में ऑर्डर दिया करते थे, अब हम उसकी जगह 2 दिन में ऑर्डर दिया करेंगे, इन स्टीड या इन प्लेस। PYQ9 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन रहा हम लोग का, आगे बढ़ते हैं इसके, देखिएगा। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है PYQ10, ये है हमारे पास BQ14, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल जो हमने किया था वही क्वेश्चन है। आप मुझे बस ये बता दीजिए आप रैंडम नंबर कैसे लेंगे, जो देखिएगा लेस देन 50 50 200, तो बताइए लेस देन 50 में कितना 40, फिर इनकी बाउंड्रीज उठा लीजिए 50 100 200 एंड 300। तो एग्जाम में जो इसका आंसर आया वो 40 50 100 200 और 300 से आ गया, यही पैटर्न है। तो सजेस्टेड आंसर इसी तरीके से बनेगा। PYQ11 पर लिखेगा BQ8, तो BQ8 है ये, BQ8 के अंदर सेफ्टी स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन, उसमें ROQ ROL और आइडल स्टॉक पूछा था, उसका कॉपी पेस्ट है ये। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सिमिलर हैं। देखिए एग्जाम में आपको कौन कौन से क्वेश्चन, एग्जाम से एक दिन पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उनका सिलेक्शन करना होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे PYQ में जो एक जैसे आए हैं, तो हमने BQ के अंदर हर तरीके का क्वेश्चन रखा है जो PYQ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। PYQ में बार बार अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो आप उन पर टिक कर लेंगे कि बस ये कई बार हम कर चुके हैं तो एग्जाम में हमें एक बार करना है। ओके, PYQ12 देखेगा, PYQ12 और PYQ3 कॉपी पेस्ट हैं। तो अब जब आप इन फ्यूचर रिवीजन करेंगे तो आपको PYQ12 या PYQ3 में से कोई एक करना होगा, तो PYQ12 या 3 में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हमारा एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास है PYQ13, ये फिर से PYQ8 है, तो PYQ8 आ गया ये। इसके बाद में हमारे पास है PYQ14, लड्डू क्वेश्चन, सिंपल EOQ पूछा है, निकाल देंगे आप लोग। PYQ15 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेड कंपनी सप्लाइड प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बाउल डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज फॉर सर्विंग सूप टू इट्स कस्टमर, बाउल आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 पीस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। तो एक बाउल है डिस्पोजेबल बाउल, सूप वगैरह जिसमें पीते हैं वो सप्लाई चल रही है, 10 पीस के पैकेट में इसको बेचा जाता है, 50 रुपए इसका सेल प्राइस है। ओके, इन सब से हमें कोई लेना देना खास नहीं है। द डिमांड फॉर अ प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स एवरी ईयर, 40,000 पैक पूरे साल की इन बाउल्स की डिमांड है। ओके, कंपनी परचेज बाउल फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर एट ₹40 पर पैक। अब जरा देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपकी कैरिंग कॉस्ट लगती है वो परचेज प्राइस पर लगती है ना कि सेल प्राइस पर, तो जो कैरिंग कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 40 रुपए पर। आप बेचते कितने में हो इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बच्चा गलती से उस पर लगा सकता है। कह रहे हैं फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर एट 40 पर पैक विद इन अ 3 डेज लीड टाइम, 3 दिन का लीड टाइम है। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज ₹8 पर ऑर्डर, ओ हमारे पास आ गया। स्टोरेज कॉस्ट 10% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो 10% है, 40 रुपए का 10% 4 रुपए आ जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट नंबर 1 EOQ निकालिए, आ जाइए जल्दी से निकालते हैं। PYQ15 फर्स्ट पॉइंट EOQ, इसमें EOQ कोई हमारी सीखने वाली चीज नहीं है इसलिए इसको जल्दी जल्दी निकालेंगे। 40,000 बाउल्स पूरे साल में, 8 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 40 रुपीज का 10%, और ये हमारे पास आ गया भैया 400 पैक्स, यानी आपको एक बार में 400 पैक परचेज करने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं जल्दी से, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में आपको निकालने हैं,
नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू। एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000, आप आर ओ क्यू क्या फॉलो करते हैं 400 पैकेट एक बार में, तो 40,000 डिवाइड बाई 400, 100 ऑर्डर्स, एक साल में 100 ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आप एक साल में 100 ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है। तीसरा पॉइंट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट, इसमें भी कुछ नहीं है। ये तीनों पॉइंट आपको आते थे, मुझे बताना है कुछ और। ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट इक्वल्स टू अंडर रूट टू ए ओ सी टू मल्टीप्लाई बाई 40,000 पैकेट मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 8 रुपये, 4 रुपये, ये हमारे पास आ गया 1600। ठीक है, इसके फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर फोर बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, देखिएगा मेन सब कुछ इसी में है। क्वेश्चन नंबर PYQ 15 पॉइंट नंबर फोर, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर, अगला ऑर्डर हम कब प्लेस करें, एज्यूमिंग दैट कंपनी डज मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक एंड प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक विद अ ईयर ऑफ 360 वर्किंग डेज। कह रहे हैं कि हमें अगला ऑर्डर कब देना है अगर हमारे पास 333 पैक अभी स्टॉक में रखे हुए हैं और 360 दिन के हिसाब से आपको वर्किंग डे मानने हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, कई बच्चा सोचता है कि शायद प्रेजेंट इन्वेंट्री का मतलब सेफ्टी स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब प्रेजेंट इन्वेंट्री नहीं है, प्रेजेंट इन्वेंट्री का मतलब है इस समय आपके गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है। तो इस समय हमारे गोडाउन में 333 पैक्स रखे हुए हैं। ओके, अब जरा देखिए प्रेजेंट इन्वेंट्री है आपके पास 333 पैक्स। ओके, ठीक है, डेली कंजम्पशन चेक करिए कितनी होती है, 40,000 पैक्स 360 दिन में, तो एक दिन में कितना, 360 डेज में 40,000 पैक लगते हैं तो एक दिन में कितना, 111 पैक्स राउंड ऑफ। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास 333 पैक्स रखे हुए हैं और एक दिन में 111 पैक की जरूरत है, कितने दिन का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है। प्रेजेंट इन्वेंट्री इन डेज 333 पैक मेरे पास हैं, एक दिन में 111 पैक खत्म हो जाएंगे, यानी तीन दिन का काम मैं चला सकता हूं। आपके पास 333 पैक हैं, इसका मतलब आप तीन दिन का काम चला सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए डिलीवरी टाइम कितना लगता है। क्वेश्चन ने ये बात बताई है कि डिलीवरी टाइम कितना लगता है, क्वेश्चन ने बोला है डिलीवरी टाइम है तीन दिन, डिलीवरी होने में तीन दिन लगेंगे। अब जरा मुझे बताइए डिलीवरी में कितने दिन लगेंगे, तो डिलीवरी में लगेंगे 3 डेज। अब जरा आप एक बात बताइए, आपके पास तीन दिन का सामान है और सामान आने में तीन दिन लगेंगे, तो मुझे फोन कब करना चाहिए, बड़े आराम से समझिएगा, एक मिनट रुकिए। 333 पैक्स आपके पास हैं, एक दिन में 111 पैक खत्म हो जाएंगे, यानी तीन दिन में आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा, सामान आने में भी तीन दिन लगने हैं और स्टॉक भी तीन दिन के बराबर है, तो फोन कब करना चाहिए। अरे भाई सोच क्या रहे हो, तुरंत फोन करो। तो ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली, ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली, ये इस क्वेश्चन का पॉइंट था, बहुत ही बढ़िया पॉइंट था। अच्छा एक चीज और बताइए मेरे को, एक मिनट के लिए रुकिएगा, अगर मेरे पास 444 पैक होते तो इसका मतलब मेरे पास चार दिन का स्टॉक होता। अब मेरे पास चार दिन का स्टॉक है, सामान आने में तीन दिन लगेंगे, तो मुझे ऑर्डर कब करना चाहिए, तो मैं लिखता ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड
नेक्स्ट डे, एक दिन के बाद, क्योंकि मेरे पास अभी 4 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ 3 दिन का स्टॉक है, 3 दिन ही लगेंगे, तो ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली। बहुत बढ़िया पॉइंट है इसका, ये पॉइंट बाकी क्वेश्चंस में नहीं था। ओके, PYQ 16, PYQ 16 होमवर्क लड्डू क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। ओके, PYQ 17 लड्डू क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन इसलिए नहीं हटाए क्योंकि बच्चे को पास्ट ईयर क्वेश्चन करने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे, बल्कि होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क में निपटाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई पॉइंट है वो क्वेश्चन में खुद करवाऊंगा। लड्डू क्वेश्चन, ROL पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल, तो कुछ ऐसा खास है नहीं। 19, BQ 14 है ये, वही स्टॉक वाला, 50 से कम, 50 से 100, 100 से 200, 200 से, तो हम अपने ROQ क्या लेंगे, ROQ हम लेंगे 50, सॉरी हाईएस्ट राउंड ऑफ 50 से कम है तो 40, 40 फिर 50, 100, 200 और 300, सेम क्वेश्चन है यहाँ में रिपीट होते हैं। ओके, अब जरा देखिए, आपने ये क्वेश्चन देखा हो, ये क्वेश्चन अभी तक मैं आपको तीसरी या चौथी बार दिखा रहा हूँ, तो आप बताइए BQ का भी, फिर पास्ट ईयर के भी, 3-4 बार एक जैसा क्वेश्चन नहीं करना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है। हर तरीके का एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आप एग्जाम से एक दिन पहले करेंगे। BQ 19 के बाद में BQ 20 हमारी बुक का BQ 4 है, सेम पैटर्न पर बिल्कुल, BQ 4 इसके अंदर EOQ पूछा है, 2% डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें ये हमें बताना है। ओके, PYQ 21 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिएगा, प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी, इट यूज एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ अ मटेरियल, पूरे साल में 60,000 यूनिट्स मटेरियल की हैं, नीचे कहा है 300 दिन लेके काम करना है। ओके, कॉस्टिंग ₹10 पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 800 ओ आ गया, 60,000 यूनिट ए आ गया, कैरिंग कॉस्ट 15% है, सी आ गया ₹10 का 15%, रीऑर्डर पीरियड 10 दिन है, रीऑर्डर पीरियड 10 दिन है, इसके आगे ये नहीं लिखा कि मैक्सिमम है, मिनिमम है या एवरेज है, कुछ भी बताया नहीं है। ओके, सेफ्टी स्टॉक 600 यूनिट है, सेफ्टी स्टॉक वाला क्वेश्चन है। ओके, अब जरा देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, ईओक्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए PYQ 21, सबसे पहला पॉइंट ईओक्यू, 2AO डिवाइड बाई सी अंडर रूट 2, 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 800, कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ ₹10 अंडर रूट 2 इंटू 60,000 इंटू 800 डिवाइड बाई 1.5 अंडर रूट 8,000 यूनिट्स, ईओक्यू निकल आया हमारे पास। ईओक्यू पहला पॉइंट था क्वेश्चन का, हमें सभी को आता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2 कह रहे रीऑर्डर लेवल बताओ, रीऑर्डर लेवल के लिए बताइए, क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, तो सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एवरेज इंटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, आ जाइए ROL, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम, प्लस सेफ्टी स्टॉक, पूरे साल में 60,000 यूनिट और पूरे साल में 300 दिन बोले हैं क्वेश्चन में, यानी डेली की 200 यूनिट, लीड टाइम एवरेज 10 दिन। देखिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि रीऑर्डर पीरियड में 10 दिन एवरेज है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका सजेस्टेड आंसर ऐसे ही आया।
600 यूनिट्स, तो ये आ गया 2600 यूनिट्स। यानी पॉइंट ये था कि अगर क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि लीड टाइम एवरेज है, मैक्सिमम मिनिमम है, तो आपको जिस चीज की जरूरत पड़ी आप उसको वो मान सकते हैं। ये पॉइंट आपको और क्लियर होगा तीसरे पॉइंट में। बच्चा एग्जाम में कैसे कंफ्यूज हुआ जरा वो देखिए, उसने आरओएल में तो एवरेज ले लिया उसको, अब जरा देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें निकालना है तो मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला बताइए आप क्या हुआ। मैक्सिमम लेवल आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मिनिमम लीड टाइम। ओके, ये आ गया मेरे पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आप लोग क्या समस्या आने वाली है बच्चे के सामने। आरओएल उसके पास आ गया 2600, आरओक्यू उसके पास आ गया 8000, लेकिन कंजम्पशन मुझे एवरेज तो पता है पर मिनिमम नहीं पता। देखिए यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है, इस क्वेश्चन को करवाने का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। पूरे साल में 60,000 यूनिट्स लगती हैं 300 दिन में, यानी डेली की 200 यूनिट। क्या ऐसा हो सकता है कि 200 यूनिट ही लगती हो, ज्यादा से ज्यादा भी 200, कम से कम भी 200, ऑन एन एवरेज भी 200। इसे कहते हैं इवनली, जो अभी हमने एक पीवाईक्यू में देखा था कि इवनली का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में चीजें गायब हैं, आपके पास मैक्सिमम मिनिमम एवरेज नहीं है, तो आप मानेंगे इवनली। इवनली का मतलब यह है मैक्सिमम भी 200 यूनिट, मिनिमम भी 200 यूनिट, ऑन एन एवरेज भी 200 यूनिट, यानी पूरे साल फैक्ट्री में एक जैसा काम होता है। तो बात मैक्सिमम की आए तो भी वही है, मिनिमम की आए तो भी वही है, और एवरेज की आए तो भी वही है। इसके ऊपर ये पीवाईक्यू बना हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहां पर मेरे पास आएगा सेम वही बात फिर से, 60,000 यूनिट 300 दिन में, तो एक दिन में कितनी लीड टाइम, 10 दिन। मुझे बताइए क्या सप्लायर मेरे से कह सकता है कि जो उसका ट्रक मेरे पास आना है, मैंने उससे पूछा कितने दिन में आएगा, बोला 10 दिन में, मैं बोला जल्दी से जल्दी, बोला 10 दिन, मैं बोला लेट से लेट, बोला 10 दिन। क्या ऐसा हो सकता है कि सामान का डिलीवरी पीरियड फिक्स हो जाए कि 10 दिन में आएगा? यस, पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन इस बात पे बना हुआ है कि जरूरी नहीं मिनिमम मैक्सिमम एवरेज हो, बल्कि इवनली भी हो सकता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा 8600 यूनिट्स। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज लेवल आपको जैसे निकालना हो आप निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं, हाफ ऑफ आरओक्यू प्लस मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक की जगह सेफ्टी स्टॉक रख सकते हैं, और दूसरा है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई टू। तो हाफ ऑफ आरओक्यू, आरओक्यू है हमारे पास 8000, मिनिमम स्टॉक या फिर सेफ्टी स्टॉक 600 यूनिट, ये हमारे पास आ गया 4600 यूनिट। ओके, पीवाईक्यू 21, इसके अंदर हमने सीखा कि मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सब एक बराबर है, नॉट 10 डेज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम ऑब्लिक एवरेज लीड टाइम एंड 200 यूनिट्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम ऑब्लिक एवरेज कंजम्पशन। ओके, इसे नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यू 22। पीवाईक्यू 22 कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू 6 का। डिस्काउंट की परसेंटेज पूछी थी उसमें आपसे, कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछा था, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है पीवाईक्यू 22। पीवाईक्यू 6 का भाई है ये। पीवाईक्यू 23,
PYQ 23 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क लड्डू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, जरा देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन पूछी है। अजय देखिए, रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, ROL इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ROL का आंसर गिवन है। क्वेश्चन ने मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, ये सारी चीजें पूछी हैं आपसे। मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चन ने बताया, एवरेज लीड टाइम 6 डेज, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 डेज। तो आपको इन दोनों में से इसे निकाल लेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम को मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगी। मिनिमम कंजम्पशन पूछा है, मिनिमम कंजम्पशन आती है मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में। तो जब मैक्सिमम लेवल निकालेंगे, ROL, ROQ, ROL भी गिवन है, ROQ भी गिवन है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, यहां से आ जाएगी मिनिमम कंजम्पशन। सोल्व करके देखिएगा इसको आप लोग। इसके बाद में हमारे पास है PYQ 24। PYQ 24 है BQ 7, BQ 7 है ये। इसके बाद में हमारे पास है PYQ 25, इट इज BQ 4, BQ 4 है। ये नंबरिंग बहुत जरूरी है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। PYQ 26, BQ 4, ये BQ 4 है। PYQ 27, BQ 9 है विदाउट डिस्काउंट, BQ 9 वही है श्रीराम वाला जो PYQ 1 भी है। ओके, इसके बाद में हमारे पास है PYQ 28 है BQ 22, अभी हम उस पर पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचेंगे BQ 22 पर, क्योंकि अब हम यहां से सीधे वहीं पर जाने वाले हैं। और हमारे पास PYQ 29 है BQ 2। इट मीन्स मैंने इसके ऊपर नंबरिंग ऐसे करवा दी है। अब आपको क्या करना है, आपको सारे BQ जो कल करवाए थे, या हो सकता है कि आज ही आपने दो क्लास देखी हो एक से साथ बैक टू बैक, तो एक बार सारे BQ करिए, उसके बाद एक बार सारे PYQ करिए, इन्हें पूरी तरीके से निपटाइए आप लोग, अपने हाथों से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमारे फास्ट ट्रैक बैच में कोई कमी नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे जो आपको करने हैं, और करिए मेरी राय मानिए। देखिए एक जैसे क्वेश्चन भी हैं लेकिन आप करेंगे तो हाथ सेट आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बन जाएगा, इतना आपको करना है। इसके बाद में एक PYQ हमने छोड़ा था जिसका नाम था PYQ 2, छोड़ा था, ABC का है वो। इस पर नंबरिंग डालना, ये है हमारा PYQ 2, एक BQ 17। ओके, BQ 17, और हमारे पास अब आगे चलेगा कंसेप्ट, ठीक है जी। देखिएगा, ये सारे PYQ हमने खत्म कर दिए हैं, सारे PYQ खत्म करने के बाद में अब हम आते हैं नोट पर। जिस भी PYQ में, जिस भी BQ में कोई भी पॉइंट है वो सारे करवाए जाएंगे, जो बिल्कुल सिमिलर हैं वही आपको होमवर्क में दिए गए, A to Z सारा बन जाएगा जो भी मैंने आपको बताया। नोट, कैरिंग कॉस्ट इन केस ऑफ सेफ्टी स्टॉक, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो देखिएगा, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ ROQ इंटू सी प्लस सेपरेटली निकलेगा सेफ्टी स्टॉक इंटू सी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एट EOQ, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एट EOQ विद सेफ्टी स्टॉक, ordering and carrying in case of EOQ with safety stock equals to under root 2AOC plus safety stock multiply by C. Okay. देखिएगा,
आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि हमने ए टू जेड सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर कर दिए। मटेरियल चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ईओ क्यू, आरओ क्यू, दोनों एक जैसे हो सकते हैं अगर फॉर्मूला लग जाए तो। इसके अलावा लेवल सेटिंग, यहाँ तक जितना भी पढ़ा पहले उसकी बात करते हैं। ईओ क्यू यानी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देने पे सबसे सस्ता पड़ेगा, अंडर रूट टू ए ओ डिवाइडेड बाई सी। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, कितना मटेरियल खरीदना है। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसके बाद में अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट का सेपरेट फॉर्मूला जानना चाहें तो ए डिवाइड बाई आर ओ क्यू इंटू ओ, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हाफ ऑफ आर ओ क्यू इंटू सी। इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ लेवल्स जो स्टॉक लेवल पूछे जाते हैं। स्टॉक लेवल्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अगर विदाउट सेफ्टी स्टॉक है तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम, विद सेफ्टी स्टॉक है तो मैक्सिमम कंजम्पशन की जगह एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक या प्लस मिनिमम स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मिनिमम लीड टाइम। इसके बाद में है मिनिमम स्टॉक लेवल जो आर ओ एल से ही बना हुआ है, फॉर्मूला है आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम। फिर हमारे पास है एवरेज स्टॉक, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, या फिर हाफ ऑफ आर ओ क्यू प्लस मिनिमम स्टॉक, या सेफ्टी स्टॉक भी रख सकते हैं उसकी जगह। डेंजर स्टॉक लेवल में मिनिमम कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन में से कोई एक लीजिए, मल्टीप्लाई बाई इमरजेंसी लीड टाइम कर दीजिए। ये सारे लेवल्स हमारे खत्म हो गए। ईओ क्यू के साथ आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं? क्वेश्चन आपको मिल सकता है ईओ क्यू के साथ इस तरह से, जैसे क्वेश्चन आपसे बोले कि भाई साहब हमारे को ईओ क्यू निकाल कर बता दो, प्लस हमें ये बता दो कि हम क्वांटिटी डिस्काउंट को एक्सेप्ट करें या ना करें। या फिर क्वेश्चन मिल सकता है कि मैनेजर ने अपना डिसीजन जस्टिफाई किया या नहीं। या फिर क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर हम ईओ क्यू को फॉलो नहीं कर रहे तो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी या हम कितना पैसा बचा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास ईओ क्यू के अंदर आ जाते हैं। लेवल्स के अंदर ज़्यादा कोई खास नहीं है, इन्हीं सबसे जुड़कर पूरा पी वाई क्यू बना हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि बी क्यू 15 तक हमारा कोर एरिया है एग्जाम का, और उसके बाद में अब कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो मुझे आपको बताने हैं, पर इन ये एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए और इनकी ज़्यादा वर्थ नहीं है। इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर मैंने बाकी सारे कंसेप्ट का एक एक दो दो क्वेश्चन कराए, तो आपको वो एक एक दो दो क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, वो एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करने हैं, वो सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर देने की जरूरत नहीं, यहाँ तक का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ओके जी, सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास ए बी सी एनालिसिस। लिखिएगा, ये मेरा मेन काम खत्म हो गया, तो मैंने लेवल सीख लिए और ईओ क्यू सीख लिया। अब है मेरे पास पॉइंट नंबर 3, ए बी सी एनालिसिस। ए बी सी एनालिसिस क्या कहता है? ये स्टॉक कंट्रोल की टेक्निक है। इसके अंदर तीन कैटेगरी बनाई गई हैं, वो कैटेगरीज हैं ए बी और सी। इन कैटेगरीज को ए बी सी में रखा गया, और कैटेगरी को रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू के कितने रुपए की कीमत का सामान है, दूसरा रखा गया परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, और इसके ऊपर सेट किया गया कंट्रोल। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने कहा कि देखो ए कैटेगरी में उस सामान को रखो जिसकी वैल्यू हाई हो, तो हाई वैल्यू वाला सामान यहां रहेगा, और कहा जिस सामान की वैल्यू हाई होगी वो क्वांटिटी में कम होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक दुकान पर जाइए आप, सुनार की, गोल्ड स्मिथ की दुकान पर जाइए, तो वहाँ पर सिल्वर का आइटम बहुत ज़्यादा होगा जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं, सोने का आइटम मीडियम होगा, गोल्ड का आइटम मीडियम होगा, और डायमंड बहुत कम होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत डायमंड्स की ही होती है। तो इन्होंने कहा कि जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी कम होती है, और उसके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, हाई कंट्रोल। हाई कंट्रोल किस लिए? क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। बताइए डायमंड पीस बहुत लिमिटेड होंगे, तो ये बोले क्वांटिटी में तो कम होंगे 10% अप्रोक्सीमेटली। तो पूरी दुकान में अगर 100 आइटम हैं तो डायमंड सिर्फ 10 आइटम में हैं,
लेकिन पूरी दुकान की सारी कीमत के 70% के बराबर इनकी कीमत होगी। तो इन्होंने कहा हाई वैल्यू विद लो क्वांटिटी, इस पे ज्यादा ध्यान दो, तो डायमंड पीस पे ज्यादा ध्यान दो। सी कैटेगरी में किया गया कि वैल्यू कम और क्वांटिटी ज्यादा। अब मुझे बताइए, जैसे सिल्वर का आइटम, सिल्वर के आइटम क्वांटिटी में तो पूरे भरे पड़े हैं पर उनकी कीमत बहुत कम होती है, तो यानी 70% एंड 10%, और फिर एक रखा गया बीच में मीडियम, मीडियम इसको कह दिया 20% अप्रोक्स, कंट्रोल भी मीडियम और इसके ऊपर कंट्रोल भी लो। आराम से समझिएगा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा एक बार। तो स्टॉक के कंट्रोल के लिए टेक्निक बनाई गई एबीसी, कहा गया सारे स्टॉक पे एक जैसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ सामान ऐसा होगा जो बहुत कीमती होगा, कीमती सामान क्वांटिटी में कम होता है। जैसे हमारे घर में भी जो कीमती सामान है वो ज्वेलरी है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये कम होते हैं, इनका ध्यान ज़्यादा रखिए, ये चोरी ना हो, ये ख़राब ना हो जाए, इस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। इसके बाद में कुछ सामान होता है बहुत ही सस्ता, तो स्टोर के अंदर भी ऐसे कुछ सामान होता है जो बहुत सस्ता है, और सस्ता सामान क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है। तो बोले सस्ता सामान होता कम है वैल्यू में, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक आध यूनिट चोरी हो जाए, खराब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मेरी क्लास के अंदर चेयर्स पड़ी हुई हैं खूब सारी, तो चेयर एक आध चोरी हो जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा लैपटॉप चोरी हो जाए तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मेरा एसी चोरी हो जाए तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो इन्होंने कहा जो महंगी चीज़ें हैं वो क्वांटिटी में कम और वैल्यू में ज़्यादा होती हैं, उस पर मैक्सिमम ध्यान रखिए। जो सस्ती चीज़ें हैं वो क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, वैल्यू में बहुत कम होती हैं, उन पर कम ध्यान रखिए, और बाकी चीज़ों को रखिए मीडियम रेंज में। तो ये वैल्यू के बेसिस पे बांटी गई चीज़ है। ये जो परसेंटेज मैंने आपको लिख के दी है, ये परसेंटेज स्टडी मैट में दी गई है, और कहा गया है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए है, ये फिक्स नहीं है कि 70% की वैल्यू वाला सामान ए कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसके ऊपर स्टडी मैट के अंदर दो क्वेश्चन हैं, वो दोनों क्वेश्चन हमें एक बार देखने हैं। देखिएगा, एबीसी एनालिसिस BQ60। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल। इसमें इन्होंने आइटम नंबर दे दिए, 12 आइटम है, सामने उनकी यूनिट्स लिख दी, उसके सामने कॉस्ट दे दी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन 12 आइटम्स की यूनिट हमने लिखी और सामने उनकी परसेंटेज निकाल ली कि आखिर क्वांटिटी की परसेंटेज क्या है, फिर उसके बाद में यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाली और परसेंटेज निकाल ली कि आखिर इनकी वैल्यू कितनी है, और वैल्यू के बेसिस पर इनको रैंक दे दी। तो देखिए, रैंक वन उसे दी जाएगी जिसकी वैल्यू सामान में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद में रैंक टू दी जाएगी जिसकी वैल्यू सामान में उससे कम होगी। ये रैंक देने के बाद में मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होगा कि भाई वो किस तरह से बांट रहे हैं। तो जैसे कि स्टडी मैट ने समझाने के लिए बताया कि 50,000 या उससे ऊपर का सामान हम ए में रखेंगे, 15 से 50 के बीच का बी में, और जो सबसे सस्ता है 15,000 का वो सी में। ये मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं, तो ये आपके पास क्राइटेरिया नहीं आएगा, तो एग्जाम में इसलिए इस क्वेश्चन की चांस कम बनते हैं, क्योंकि ये बता पाना मुश्किल है एग्जाम के अंदर कि आप क्या बेस लेंगे। एक बच्चा क्या कह सकता है कि मैं 60,000 से ऊपर वाला ए कैटेगरी में रखूंगा, एक बच्चा कह सकता है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग बेस ले सकते हैं, इसलिए एग्जाम में इसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो स्टडी मैट का कॉपी पेस्ट उठ कर आएगा, एक ही एक क्वेश्चन है ये जो स्टडी मैट में दिया हुआ है, तो एज इट ही जाएगा। तो आपको भी एग्जाम में 50,000 एंड अबव को ए में, 15 से 50 को बी में, और उससे नीचे वाले को सी में ले लेना है। ओके, इसके अंदर अब जरा देखिए, जो जो आइटम 50,000 से ऊपर के निकले, ये और ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये तो ए कैटेगरी में चले जाएंगे। देखिए, 81, 72 और 57 वाला आइटम ए कैटेगरी में चला गया, उसके बाद में 35, 25, 20 और 15 तक के आइटम बी में आ गए, और बाद वाले आइटम इसके सी में आ गए। तो ये है एबीसी एनालिसिस या एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल। दो क्क्वेश्चन हैं इसके, एक 16 है, 17 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 17 ही है PYQ 2। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, वो क्यों आ सकता है,
क्योंकि इस क्वेश्चन ने आइटम को बांटा ही सिर्फ तीन कैटेगरी में। इसके अंदर क्या बोले, बोले 4000 आइटम है हमारे पास, जिसमें से 3800 आइटम यानी 96% आइटम, 110 आइटम यानी 2% आइटम, और 15 यानी 0.3% आइटम। तीन पार्ट में इसको तोड़ा, बोले जो हमारा यहाँ का 3875 यानी 96% आइटम है, उसकी कीमत सिर्फ 20% है। अब बताइए क्वांटिटी ज्यादा और वैल्यू कम, सी कैटेगरी में आएगा। फिर बोले कि जो हमारे 110 आइटम हैं जो 2% हैं, वो 30% वैल्यू रखते हैं, तो ये मीडियम हो गया। और जो सबसे कम है क्वांटिटी में, 1% से भी कम है क्वांटिटी में, उसकी कीमत 50% के बराबर। तो जिसकी कीमत सबसे ज्यादा वो ए, जिसकी सबसे कम वो सी, और बीच वाला आ गया बी में। तो इन्होंने कहा ए बी सी में बांटो। तो ये आसान था क्योंकि यहाँ पर तीन ही आइटम थे। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, 12 आइटम में से सेलेक्ट करना था। तो कोई बच्चा कह सकता है मैं 50,000 से ऊपर वाले लूंगा, कोई कह सकता है 60 से ऊपर के। तो एग्जाम में या तो 16 आएगा या फिर 17 आएगा, अगर ए बी सी से आया तो। आज तक एग्जाम में एक ही बार ये आया है, दैट इज PYQ2। PYQ2 एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 1998 में, उसके बाद में अभी तक नहीं आया। सेम क्वेश्चन है, फिगर्स भी सेम है। ओके, ये था हमारे पास एबीसी एनालिसिस। इसके बाद में हमारे पास एक है वीईडी एनालिसिस। लिखेगा वीईडी एनालिसिस, जैसे एबीसी एनालिसिस है वैसे ही वीईडी एनालिसिस मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। एबीसी एनालिसिस कहता है महंगे आइटम पे ध्यान दो, वीडी एनालिसिस कहता है वी का मतलब है वाइटल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल जिनके बिना काम ही नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल विदाउट विच प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो वीडी एनालिसिस बोला कि कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन ना हो पाए। लाइक मुझे बताइए, गाड़ी में अगर टायर में पेच ना हो, पेच बहुत सस्ता है पर क्या बिना पेचों के गाड़ी तैयार हो सकती है? तो पेच जरूरी है कार बनाने के लिए, तो वो वाइटल एलिमेंट्स में काउंट होंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता वाइटल में आएगा। इसे बोला एसेंशियल, और डी से बोला डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत बनाओ लगाओ। जैसे बताइए आपने किसी गाड़ी के ऊपर पेंट करके एक डिजाइन बना दिया, वो डिजाइन डिजायरेबल है। आप गाड़ी के ऊपर वो डिजाइन बनाएं या ना बनाएं, गाड़ी बाजार में बेची जा सकती है। एसेंशियल का मतलब है जिनकी इंपॉर्टेंस वाइटल से कम है। Importance less than vital goods, vital material. Desirable less importance. Less importance raw material. तो ये तीन तरीके के हमारे पास वीडी एनालिसिस ने बांटे। तो एबीसी एनालिसिस का फोकस क्या था, एबीसी एनालिसिस का फोकस था कि जिसमें आपका वैल्यू ज्यादा हो उस पर ध्यान दो, और वीडी एनालिसिस का फोकस है जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है उस पर ध्यान दो। इसके बाद में हमारे पास है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल है। इसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर, पॉइंट नंबर फिफ्थ, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी, छोटा सा रेशो होता है, बहुत सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या फिर ITR, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन
रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, अभी इसका बीक्यू देखेंगे हम लोग एक। इसके बाद में कई बार पूछा जा सकता है आईटीआर रेशियो इन डेज, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज पूछा जाए अगर, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, तो सिंपल सा आपको करना है 365 डिवाइडेड बाई आईटीआर, बीक्यू 19। BQ18 देखिएगा, BQ18 हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन। एक ही बार में आपको रेशियो याद हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक आ जाइए। इसके अंदर हमारे पास है BQ18 में फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स ऑन 30th January, ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसा आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कह रहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो और नंबर ऑफ डेज बताओ फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड आ जाइए। सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा एक रेशियो आपको लिखना होता है, बस फर्स्ट पॉइंट में लिख लेता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ही सिंपल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला जरूर लिखिए, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। अब बताइए रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसा आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यह आ गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स, यानी आपका स्टॉक पूरे साल में 2.5 टाइम रोटेट हो जाता है। सेकंड पॉइंट में पूछ सकता है इन डेज, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, या आपसे पूछ सकता है एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इन डेज, एवरेज इन्वेंट्री इन डेज। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाई 2.5, 365 डिवाइड बाई 2.5 146 डेज। ये रेशियो बताते क्या हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि पूरे साल में जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है और जितना मटेरियल आपके पास स्टोर में रहता है, उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। तो स्टोर में जितने पास रहता है आपके पास, फैक्ट्री में उसका 2.5 टाइम गया है, तो ऐसा कैसे होता होगा, स्टोर में आया फैक्ट्री में गया, फिर स्टोर में आया फैक्ट्री में गया, फिर स्टोर में आया उसका आधा फैक्ट्री में चला गया, तो 2.5 टाइम्स मटेरियल कंज्यूम हो चुका है आपके एवरेज स्टॉक का। और इन्वेंट्री एवरेज इन डेज अगर आपको निकालना है तो 365 दिन में 2.5 टाइम चला गया, इसका मतलब 146 डेज में आपका पूरा स्टोर एक बार खाली हो जाता है। तो एक बार हमारा स्टोर कितने दिन में खाली हो जाता है, 146 डेज में। ओके, इसके बाद में हमारे पास इसका कॉपी पेस्ट भाई क्वेश्चन है BQ18 दोनों बिल्कुल सेम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। देखिएगा पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास अब आएगा कंसेप्ट नंबर 6, इशू प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, इशू प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। इशू प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के अंदर हमारे पास ये पॉइंट सीखने के लिए मिलेगा कि जैसे स्टोर के पास मटेरियल आता है तो वो मटेरियल किस रेट से किस तरह से इशू किया जाता है, उसका प्राइस क्या रखा जाता है। यानी ये हमारे पास स्टोर, यहाँ पर सामान खरीदकर आपने परचेज किया और ये भेजेगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में किस रेट से किस प्राइस से मटेरियल को भेजा
जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये, देखिएगा। इशू प्राइस के अंदर एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमें सीखना है। सबसे पहले परचेज प्राइस आप उठा लीजिए, जो भी परचेज प्राइस हो, ये आ गई हमारे पास। इसके बाद में इसमें से आपको माइनस करनी है कोई भी डिस्काउंट ट्रेड बेसिस पर मिली हो या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, लेकिन वो कैश डिस्काउंट नहीं होनी चाहिए, कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं है। कैश डिस्काउंट क्यों अलाउड नहीं है उसकी बात करेंगे। इसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट से सब्सिडी, ग्रांट, कुछ भी आपको मिला है तो वो माइनस कर दीजिए कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। अब बताइए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो आपकी कॉस्ट तो कम हो गई, तो कोई भी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव अगर आपको मिला है तो वो माइनस हो जाएगा यहां पर। अब मान लीजिए मेरे को 1,00,000 रुपए का मैंने मटेरियल खरीदा, 20,000 की डिस्काउंट मिल गई 80, उसके बाद में गवर्नमेंट ने 25,000 की सब्सिडी दे दी, तो प्राइस तो उसके बाद में और भी रिड्यूस हो गए। इसके बाद में हम ऐड करेंगे रोड टैक्स या टोल टैक्स, यानी रास्ते में सामान के आने पर कोई भी रोड टैक्स या टोल टैक्स लगेगा तो वो यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, चल के इस तरीके से रहा है, बड़े आराम से समझिएगा। सामने वाले सप्लायर ने मेरे को प्राइस बता दिया, मान लीजिए कि प्राइस है 1,00,000 रुपए, उसके अलावा उसे अपने यहां तक मंगवाने के खर्चे भी तो देने पड़ेंगे, कोई टैक्स वगैरह है वो देना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट है उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आपको इशू प्राइस ऑफ मटेरियल में नेट कॉस्ट निकालनी है कि इफेक्टिवली आपको लास्ट में कितने का पड़ा। ये स्टेटमेंट खत्म होते तक आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले परचेज प्राइस उठा लीजिए, कोई भी डिस्काउंट डिस्काउंट है माइनस कर दीजिए, कैश डिस्काउंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट से कोई भी आपको इंसेंटिव सब्सिडी मिली है वो माइनस कर दीजिए, कोई भी रोड टैक्स वगैरह गया है वो ऐड कर दीजिए। इसके अलावा SGST, CGST, IGST, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी अगर आपने दी है तो वो ऐड हो जाएगी। ये तब ऐड होती है जब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ना हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है फिर तो हमारे पास जितना हमने टैक्स दिया है हम गवर्नमेंट से उसका इनपुट ले लेंगे कहीं और, तो इज नॉट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद में ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते में सामान का आपने इंश्योरेंस करवाया, किसी को आपने ब्रोकरेज या कमीशन दिया है मटेरियल परचेज करने पर तो वो कमीशन या फिर ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी आपके पास, ब्रोकरेज ऑन परचेज। इसके बाद में कैरिज इनवार्ड या फ्रेट इनवार्ड, जो ट्रक वाला आपके यहां पर लेकर आएगा उसका किराया, कैरिज और फ्रेट इनवार्ड, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में ऐड करते हैं नेट कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, नेट कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, कई बार क्वेश्चन कंटेनर्स लिखकर दे सकता है। ठीक है, अब जरा देखिए मैं कुछ फेक फिगर्स लिखकर आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से चलता है, एक मिनट के लिए रुक जाइए। अब जरा देखिए, सामने वाली पार्टी ने मेरे से कहा कि मटेरियल का प्राइस है 1,00,000, आप लोग मत लिखना इस फिगर को क्योंकि अभी हम इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब परचेज प्राइस है 1,00,000, डिस्काउंट 20% चल रही है तो 20,000 की डिस्काउंट हो गई, अब सामान की कीमत रहेगी 80,000, गवर्नमेंट बोली 5,000 की हम सब्सिडी दे रहे हैं तुम्हें, अब हमारी कीमत रहेगी 75,000, रास्ते में 2,000 का टैक्स लग गया, ये अब हमारी हो गई 77। इसके बाद में रोड टैक्स के बाद हमारे पास सामने वाले ने
10% जीएसटी लगाकर दिया है और हमारे को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो मान लो 15,000 रुपये का जीएसटी भी लग गया, चलो जी 15,000 का ये भी लग गया 92, रास्ते में सामान टूट फूट ना जाए इसके इंश्योरेंस के 5,000, किसी को कमीशन के दिए हैं 2,000, ट्रक वाले को सामान लाने के दिए हैं 1,000, लो जी 8,000 रुपये ये भी जुड़ गए, 1,00,000 हो गया। इसके बाद में नेट कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल या कंटेनर, सप्लायर जिस कंटेनर में जिन ड्रम्स में आपको सामान भेजता है उन ड्रम्स की कई बार रिटर्न होने पर वैल्यू कम होकर मिलती है। यानी जरा देखिए, मेरे को मंगवाना है डीजल, तो डीजल इस ड्रम के अंदर भरकर आया है, इसमें डीजल भरा हुआ है। अब देखिए, सामने वाला सप्लायर मेरे से डीजल के पैसे भी लेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्लस अगर ये ड्रम मेरे पास से वापस नहीं जाना तो कॉस्ट ऑफ ड्रम भी चार्ज की जाएगी। तो सामने वाला ये भी ऐड करेगा और ये भी ऐड। अच्छा बताइए, अगर ड्रम में खाली करके वापस कर दूं, इसने ड्रम बोला कि 1,000 का ड्रम है, मैं बोला कि भैया वापस ले लो, वो बोला वापस नहीं होगा, बताइए अगर ड्रम वापस नहीं होगा तो मुझे डीजल के भी पैसे देने हैं और ड्रम के भी पैसे देने हैं। अच्छा सामने वाला बोले ठीक है वापस कर दोगे तो 1,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो बताइए अगर ड्रम के पैसे वापस मिल सकते हैं तो फिर ये ड्रम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा सामने वाला कह दे भैया ड्रम वापस तो लूंगा लेकिन 800 रुपये में लूंगा, तो मैं कहूंगा कि भैया फिर तो मेरे ऊपर 200 रुपये का बर्डन पड़ गया, 1,000 का जोड़ के भेजा, 800 का वापस ले रहे हो। तो यहां पर नेट कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, नेट कॉस्ट का मतलब है अगर सामने वाले ने वापस ले लिया उतने में ही, 1,000 का पैकिंग मटेरियल भेजा 1,000 में ही वापस ले लिया तो कोई कॉस्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ी, अगर 1,000 का 800 में वापस लिया है तो नेट कॉस्ट 800 रुपये पड़ गई, और अगर 1,000 का भेजा है और कुछ भी वापस नहीं लिया, एक भी रुपये में वापस नहीं लिया, तो पूरे 1,000 रुपये ऊपर मेरे ऊपर नेट इफेक्ट पड़ गया। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि ये कब, व्हेन नॉट रिटर्नेबल और रिटर्नेबल एट लो प्राइस, कम रेट पर रिटर्न हो या फिर रिटर्न ना हो तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब जरा एक मिनट देखिए, सामने वाले ने 1,00,000 रुपये का मटेरियल मेरे पास भेजा, 20,000 की डिस्काउंट दे दी 80,000 का हो गया, 5,000 की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 75, 2,000 का टोल टैक्स लगा, जीएसटी लग गया जिस पे क्रेडिट नहीं मिल रहा, रास्ते का इंश्योरेंस, कमीशन देना पड़ गया, कैरिज इनवार्ड देना पड़ गया, पैकिंग मटेरियल के 500 रुपये देने पड़ गए, ये सब कुछ कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि मटेरियल की एक यूनिट कितने रुपए की बैठती है हमारे घर पे पहुंच कर। देखिएगा, ये मैंने हटा दिया सब कुछ, यहां पर मैं लिख रहा हूं अब टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई, ये इसमें सब कुछ मैं जोड़ चुका हूं। अब इसे मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इफेक्टिव यूनिट्स। इफेक्टिव यूनिट्स का मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव यूनिट्स, इफेक्टिव यूनिट्स का मतलब जितनी भी टोटल यूनिट्स आपके पास थी उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर दीजिए, नॉर्मल शॉर्टेज प्लस कोई प्रोविजन फॉर लॉस है तो वो भी माइनस कर दीजिए, प्रोविजन फॉर लॉस। अब मान लीजिए टोटल यूनिट सामने वाले ने भेजी हैं 1,000, 200 उसमें से लॉस्ट हो गई, नॉर्मल लॉस है, 800 आई, और मुझे लगता है अभी 50 यूनिट और लॉस्ट हो जाएंगी, इसका मतलब इफेक्टिवली 750 यूनिट मेरे पास बचेंगी, तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो 750 यूनिट की होगी। फिर से बताता हूँ, 1,000 यूनिट सामने वाले ने भेजी, रास्ते में 200 लॉस्ट हो गई जो नॉर्मल लॉस है, हमेशा होती हैं, 800 बची, 800 में से 50 यूनिट्स मुझे लगता है अभी और लॉस होंगी तो उसका प्रोविजन बना लिया मैंने, यानी इफेक्टिवली 750 यूनिट्स ही मेरे पास रहेंगी जिसके लिए मैंने टोटल कॉस्ट इनकर की है, और ये मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट पर इफेक्टिव यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। तो इसे मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा और मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ये है इशू प्राइसिंग ऑफ मटेरियल का स्टेटमेंट। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है, कॉस्ट पर इफेक्टिव यूनिट, इसी को कहते हैं
इशू प्राइस ऑफ मटेरियल, इशू प्राइस ऑफ मटेरियल, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात, नोट क्या क्या चीज़ें जोड़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं जोड़नी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर स्टडी मैट में इस तरीके का क्वेश्चन है, कभी आ गया तो सीधे 10 नंबर में उठ के आएगा, रिस्क नहीं ले सकते। नोट वन, कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल आइटम एंड इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। कैश डिस्काउंट को एक फाइनेंशियल आइटम माना जाता है। कहा जाता है कि कैश डिस्काउंट आपको तब मिली होगी जब आपने किसी को अर्लियर पेमेंट की होगी। देखिए, मेरे को पेमेंट करनी है आज से 50 दिन के बाद, सामने वाला मुझे कह रहा है कि थोड़ा जल्दी पेमेंट कर लो या कैश में खरीद लो, अर्लियर पेमेंट, मान लो 10th डे पे वो मुझसे कह रहा है जल्दी खरीद लो, 100 रुपये की चीज़ के 2% डिस्काउंट मिल जाएगी, 98 दे देना। अब मुझे बताइए 50th डे पे जो सामान की पेमेंट करनी थी वो 10th डे पे कर रहा हूँ तो कैश डिस्काउंट अवेलेबल हो गई, अर्लियर पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिल जाती है या कैश में खरीदो उधार पे मतलब तो मिल जाती है। तो इसका मतलब 2% की डिस्काउंट मुझे किस बात की मिली है, 2 रुपये की डिस्काउंट मुझे किस बात की मिली है कि पेमेंट मैंने 40 दिन पहले कर दी। अब बताइए अगर आपने 40 दिन पहले पेमेंट की है तो अगर इसी पैसे को आप 40 दिन के लिए बैंक में रखते इन बैंक, तो बताइए तब भी तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल जाता। तो इन्होंने कहा कि ये फाइनेंशियल आइटम है, हम मटेरियल की कॉस्ट को इससे कम नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिली है तो पैरेलल लेवल पर एक लॉस भी हुआ है। सामने वाले ने कहा कैश में खरीदो डिस्काउंट ले लो, अब सोचिए अगर वही पैसा मैं बैंक में रखता तो वहाँ से भी तो इंटरेस्ट मिलता, तो एक तरीके से काइंड ऑफ इंटरेस्ट सामने वाला आपको पे करता है। तो कैश डिस्काउंट एक तरीके से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप बैंक को दोगे तो बैंक इंटरेस्ट दे देगा, सप्लायर को दे रहे हो तो सप्लायर डिस्काउंट की फॉर्म में आपको इंटरेस्ट कंपनसेट कर रहा है। तो कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल आइटम होती है और इसका मटेरियल की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। कहा गया एक तरफ फ़ायदा हुआ है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हुआ है, एक तरफ डिस्काउंट मिली है तो दूसरी तरफ इंटरेस्ट जो मिलता वो भी तो नहीं मिल पाया। सेकेंड, कैश डिस्काउंट के बाद में दूसरा आइटम है कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स, GST, IGST, CGST, etc. कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा अगर ITC अवेलेबल हो तो। डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। मुझे एक बात बताइए, सामने वाले ने 100 रुपये की चीज पर GST लगाया 10 रुपये, मैंने उसे 110 का चेक दे दिया, सामने वाले ने मेरे ऊपर 10 रुपये का GST लगाया, मैंने उसे 110 का चेक दे दिया, अगर ये 10 रुपये में गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह से यूज में ले सकता हूँ तो ये 10 रुपये मेरी कॉस्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ ऊपर लिखा है अगर ITC अवेलेबल है तो GST कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ तब कॉस्ट का पार्ट बनता है जब उसका GST का इनपुट क्रेडिट अवेलेबल ना हो। इसके अलावा 3 चीज़ें और स्टडी मैट में दी गई हैं जो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। उसमें सबसे पहले है डीमरेज पेनल्टी। डीमरेज पेनल्टी का मतलब होता है कि अगर आपने समय से ट्रांसपोर्टर के ट्रक पे सामान नहीं चढ़ाया या अनलोडिंग करने में गलती की या डिले किया तो ट्रांसपोर्टर का ट्रक ज़्यादा टाइम के लिए इंगेज हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टर आपके ऊपर ये चार्ज लगा सकता है, चार्जेज या पेनल्टी बाई ट्रांसपोर्टर। पेनल्टी बाई ट्रांसपोर्टर किस चीज़ के लिए लगाता है ये, क्योंकि आप डिले कर रहे हो लोडिंग अनलोडिंग में।
दूसरी एक पेनल्टी बताई जाती है डिटेंशन चार्जेज। डिटेंशन चार्जेज लगाती है गवर्नमेंट, चार्जेज बाई या पेनल्टी बाई गवर्नमेंट। ये इस बात के लिए लगाया जाता है कि आपने कोई रूल रेगुलेशन तोड़ा है, पेनल्टी बाई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी, ट्रांसपोर्टर ने पेनल्टी लगा दी, एंड सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हो पेनल्टी। तो अगर डिमरेज, डिटेंशन चार्ज या पेनल्टी लिखा हो तो इनमें से कोई भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, रीजन ये तीनों एबनॉर्मल आइटम माने गए। बीइंग एबनॉर्मल डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। बीइंग एबनॉर्मल लॉस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये है हमारे पास इशू प्राइसिंग ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट। बस आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, कभी पूछा भी जाएगा तो इसका कोई छोटा सा पार्ट पूछा जाएगा। जैसे कह देगा कि कमीशन का क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। IDT यानी इनडायरेक्ट टैक्स, GST, IGST, CGST, SGST कुछ भी अगर लगा है तो क्या करेंगे, तो पूछो कि ITC अवेलेबल है या नहीं। कि जी अवेलेबल है तो क्यों हमारी कॉस्ट बनेगा, और अवेलेबल नहीं है तो यस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कि डिस्काउंट माइनस करनी है या नहीं, कि कौन सी डिस्काउंट है, कि जी ट्रेड है माइनस होगी, कि जी क्वांटिटी डिस्काउंट है माइनस होगी, कि जी कैश डिस्काउंट है, कि नहीं जी फाइनेंशियल आइटम है, इधर डिस्काउंट मिली है दूसरी तरफ इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है तो माइनस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कोई छोटा सा पॉइंट आ सकता है। इसी के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। कि जी सप्लायर ने देखिए क्या इनवॉइस भेजा है, 200 यूनिट्स पार्ट A32 की हैं 5 रुपये से 1000 रुपये, 200 रुपये की 20% उसमें डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट। इसमें हमने GST जोड़ दिया है 12%, 96, और पैकिंग चार्जेज 50 रुपये इस पर चार्ज हुए हैं 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेज के। ठीक है जी, ये उसने इनवाइस हमारे पास भेज दिया। कह रहे हैं नोट, 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कैश डिस्काउंट को इग्नोर कर दीजिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ CGST इज एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। कह रहे हैं हमने इनपुट क्रेडिट लेने के लिए पेपर्स लगा दिए हैं तो GST कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मतलब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब जरा देखिए, 1000 रुपये माइनस डिस्काउंट, ये 200 रुपये वाली डिस्काउंट अलाउड है, नीचे जो 2% डिस्काउंट दी जा रही है वो अलाउड नहीं है, बचे 800 रुपये। 800 रुपये में GST जोड़ा जा रहा है जो अब नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ITC अवेलेबल है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो फिर ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये 96 इसमें से हट जाएगा। पैकिंग चार्जेज 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स, रिटर्नेबल बॉक्स नहीं है तो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अगर मैं लिख दूं रिटर्नेबल बॉक्स तो फिर ये भी हट जाएंगे क्योंकि ये रिटर्न हो जाएंगे और हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। कह रहा है कि आपको प्राइस बताना है कि किस प्राइस से पार्ट A32 को स्टोर लेजर में लिखा जाए। तो देखेगा BQ20, आ जाओ भाई आ जाओ BQ20, जल्दी। स्टेटमेंट शोइंग इशू प्राइस, क्वेश्चन ने पूछा इशू प्राइस पर यूनिट। मैं नाम भी लिख देता हूं साथ के साथ में, ऑफ पार्ट A32। बस बड़ा ही सिंपल सा है, सबसे पहले आपको बताना है कि इसका परचेज प्राइस कितना है। तो जी परचेज प्राइस का ऐसा है, 200 यूनिट्स हैं 5 रुपये के रेट से, 1000 लेस, डिस्काउंट दी जा रही है 20%, कैश डिस्काउंट नीचे लिखी है 2%, उससे कोई लेना देना नहीं, ये अलाउड है जी, बचे 800। बताइए GST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, वो नहीं जोड़ूंगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा।
पैकिंग मटेरियल जो पैकिंग वापस नहीं हो सकती, यस, नॉन रिटर्नेबल पैकिंग, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, 50 रुपये। तो हमारी कॉस्ट हुई 850, टोटल कॉस्ट 850। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कितनी यूनिट मिली हैं, तो डिवाइडेड बाई इफेक्टिव यूनिट्स, इफेक्टिव यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी 200। कोई लॉस हम अपने मन से नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए इसमें से 20 यूनिट लॉस्ट हो जाती रास्ते में, तो 180 से डिवाइड करता। यहां पर हमारे पास आएगा कॉस्ट पर यूनिट या फिर इशू प्राइस पर यूनिट, इशू प्राइस पर यूनिट। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, स्टडी मैट में इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है, 850 डिवाइड बाई 200, रुपीज 4.25। आप जब ये क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं तो आपको नोट भी देखने होंगे इसके अंदर। नोट हमारे पास दो आएंगे, एक तो आपने डिस्काउंट इग्नोर की है, 2% कैश डिस्काउंट इज इग्नोर्ड बीइंग फाइनेंशियल आइटम। सेकेंड, GST का क्रेडिट अवेलेबल है तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, ITC इज अवेलेबल सो GST इज इग्नोर्ड, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है 5 नंबर में आपके पास आ सकता है कभी भी एग्जाम में। इशू प्राइस ऑफ मटेरियल के अंदर यही पॉइंट था। इसके बाद में एक कंसेप्ट है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, उसके साथ में इशू प्राइस मिक्स होकर आ सकता है। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को समझते हैं, उसके साथ में कैसे मिक्स होकर आ सकता है उसे देखते हैं। इसे मैं दे रहा हूं नंबर 7, लॉसेज। हम लॉस को दो पार्ट में बांटेंगे, फर्स्ट नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को स्टैंडर्ड लॉस या एवरेज लॉस ऑफ इंडस्ट्री भी बोलते हैं, एवरेज लॉस अंडर, एवरेज लॉस रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। देखे होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यूनिट रेट या प्राइस और यहां पर टोटल, मान लीजिए आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर 100 यूनिट का, रेट है 10 रुपये, 1000। आपने 100 यूनिट का ऑर्डर दिया, 10 रुपये का उसका रेट है, 1000 रुपये कॉस्ट हुई। अब मान लीजिए आप ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं कि आपके पास आने तक इसका 10% हिस्सा लॉस्ट हो जाएगा, तो अगर ऐसा कंफर्म है तो उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं कि नॉर्मल बात है, कि नॉर्मल बात है 10% तो लॉस होता ही है, या एवरेज लॉस या फिर स्टैंडर्ड लॉस, कि ये स्टैंडर्ड है इस इंडस्ट्री का कि 10% आइटम लॉस्ट हो जाएगा एट 10% ऑफ 100, 10 यूनिट लॉस्ट हो गई। अब बताइए, हम लोगों ने फाउंडेशन में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि नॉर्मल लॉस के केस में हम यहाँ डैश दिखा देते हैं। अब हमारे पास जो कस्टमर आएगा, हम उसे बताएंगे कि भैया 90 यूनिट ही 1000 की हैं, और अब हमारे पास 1000 डिवाइड बाई 90 रेट होगा 11 रुपये 11 पैसे। ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रिसीट कि हमें इतनी क्वांटिटी मिलेगी। तो नॉर्मल लॉस का नेचर है कि वो एक एवरेज लॉस होता है इंडस्ट्री का, इसे कुछ लोग अनअवॉइडेबल लॉस भी बोलते हैं कि ये तो होना ही है, और हम इसे कस्टमर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे कस्टमर के ऊपर, आप एक बात बताइए,
जहां कस्टमर से आप 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट चार्ज करते, प्रॉफिट तो जोड़ोगे ही आप। मान लो आपको 20% प्रॉफिट जोड़ना है, तो पहले आप क्या करते, 10 रुपये प्लस 20% प्रॉफिट। अब आप क्या करोगे, 11 रुपये 11 पैसे प्लस 20% प्रॉफिट। इट मीन्स हम जहां कस्टमर से 10 रुपये कॉस्ट चार्ज करते, अब हम कस्टमर से 11.11 चार्ज करेंगे। तो इसकी नेचर क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज अनअवॉइडेबल लॉस। It is suffered by customers and not by the business. ये customer bear करेंगे, business organization इसे bear नहीं करते। Even मैं तो ये कहूंगा कि business organization इस burden को transfer कर देते हैं कस्टमर के ऊपर। इससे क्या नतीजा निकल कर आएगा, कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, इससे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। एक लॉस तो हुआ ये, एक सेकंड लॉस है जिसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बड़ा सिंपल सा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल लॉस। लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस इज नॉन एज एबनॉर्मल लॉस। दिस लॉस इज सफर्ड बाई बिजनेस प्रॉफिट विल बी डिक्रीज ड्यू टू दिस लॉस। इस लॉस से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है और बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। किस तरीके से नजर आता है, ये ऐसे नजर आता है। देखिए, मान लीजिए आपकी यूनिट्स, रेट और टोटल, आपने ऑर्डर दिया 100 यूनिट्स का, आपने ऑर्डर दिया 100 यूनिट्स का, 10 रुपये का रेट 1000, 10% लॉस नॉर्मल लॉस है, लेस नॉर्मल लॉस 10 यूनिट। अब बताइए, हम कस्टमर से 11.11 चार्ज करेंगे पर यूनिट का 1000। अब देखिए, स्टैंडर्ड रिसीट कितनी हुई, स्टैंडर्ड रिसीट यहां पर निकल कर आती है 90 यूनिट। मान लीजिए आपको जो एक्चुअल रिसीट हुई है, आपकी जो एक्चुअल रिसीट है वो 85 यूनिट्स है। इसका मतलब आप जानते हैं कि आपको एक एबनॉर्मल लॉस हो गया है। कैसा एबनॉर्मल लॉस, पूरी दुनिया की तो 10 यूनिट टूटती हैं, तुम्हारी 15 टूट गई, पहली 10 यूनिट तो नॉर्मल हैं, सभी की टूटती हैं, लेकिन उसके बाद की जो 5 यूनिट हैं एबनॉर्मल लॉस, 5 यूनिट्स। ये जो आपको 5 यूनिट का लॉस हुआ है, ये आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। कस्टमर के पास यूनिट का रेट अभी भी 11.11 ही रहेगा, 1000 / 90 × 85। कस्टमर से आप अब 944 लेंगे और यहाँ पर 55.56 का जो लॉस हुआ है वो लॉस किया जाएगा ट्रांसफर टू P&L। ये P&L में ट्रांसफर होगा और इससे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज। हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर टू PL में डेबिटेड, वहां डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज, आपका प्रॉफिट इससे कम हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है, एबनॉर्मल लॉस से नहीं बढ़ती।
नॉर्मल लॉस से आपके पीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एबनॉर्मल लॉस से आपके प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। बच्चे का सीधा क्वेश्चन कि अगर यूनिट सर इससे ज्यादा मिल जाए, हमें 90 की जगह 95 यूनिट्स मिल जाए, तो दोस्तों आपको एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। देखिएगा, मैंने ऊपर लॉसेज का हेड लिखा है, यहां मैंने हेड में लिखा है लॉसेज, यहां पर मैं इसी के साथ में एर्थ में कर रहा हूं एबनॉर्मल गेन। इसी एग्जाम्पल में समझाते हुए, एबनॉर्मल गेन का मतलब है आपको नॉर्मली जितना नुकसान पहुंचता है उससे कम हुआ है, लॉस इज लेस देन स्टैंडर्ड लॉस। देखेगा, ये सिचुएशन तब है जब आपने यूनिट्स रेट अमाउंट, आपने यहां पर जो ऑर्डर दिया था वो 100 यूनिट का दिया था, 1000 रुपए टोटल, 1000 रुपए। आपको पता है कि स्टैंडर्ड या नॉर्मल लॉस 10% है, यानी 10 यूनिट तो रास्ते में टूट जाएंगी और आपको मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स। आपको पता है कि आपको 90 यूनिट्स मिलेंगी, 11.11 बार का रेट हो जाएगा, लेकिन जब आपने डिब्बा खोल के देखा तो उस डिब्बे के अंदर से जो एक्चुअल रिसीट, जो एक्चुअल यूनिट्स निकल कर आई, वो निकल कर आई दोस्तों 92। अब बताइए, 2 यूनिट फालतू निकली हैं या 2 यूनिट कम लॉस हुई हैं? बात तो सच क्या है, सच बात तो यह है 2 यूनिट कम लॉस हुई हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपकी एक्स्ट्रा यूनिट टूटती हैं तो क्या कस्टमर आपको छोड़ देता है? कस्टमर आपसे क्या कहता है? अगर आपकी एक्स्ट्रा यूनिट टूटती हैं तो कस्टमर आपको बोल देता है कि दोस्तों ये नुकसान आप खुद बियर करो, बिजनेसमैन खुद बियर करे। तो बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मेरी ज़्यादा यूनिट टूटेंगी तो नुकसान मैं बियर करूँगा, तो अगर मुझे ज़्यादा यूनिट मिलेंगी यानी 2 यूनिट एक्स्ट्रा मिलेंगी तो इस फायदे को भी मैं ही अपने घर लेके जाऊंगा। तो ये 2 यूनिट, इनके 22 रुपये 22 पैसे ट्रांसफर टू पीएल हो जाएंगे और हम कस्टमर से 11 रुपये 11 पैसे से 1022.22 चार्ज कर लेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल क्रेडिटेड, प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट विल इंक्रीज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट विल इंक्रीज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, BQ 21। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, BQ 21। देखिएगा, BQ 21 इस क्वेश्चन के अंदर स्टडी मैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर दिया है इनवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जी बताइए, ए और बी दो केमिकल का कंसाइनमेंट आया, उसके लिए इनवाइस दिया है। केमिकल ए 10,000 किलोग्राम 10 रुपए से, केमिकल बी 8,000 किलोग्राम 13 रुपए से, इनका परचेज प्राइस बता दिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, क्लियर बताया है कि क्रेडिट अलाउ नहीं है, अगर क्रेडिट अलाउ नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी आपके। रेलवे फ्रेट 3840, ओके। शॉर्टेज ऑफ 500 किलोग्राम इन केमिकल ए, 320 किलोग्राम इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। नॉर्मल ब्रेकेज की वजह से हमारे को इतना इतना नुकसान हुआ, तो नॉर्मल नुकसान हुआ, इसका मतलब नॉर्मल लॉस है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर केजी। अब देखिए, रेट पर केजी पूछ रहा है, इशू प्राइस का कंसेप्ट हो गया और लॉस दिया हुआ है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट हो गया। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेट पर केजी ऑफ केमिकल एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटेरियोरेशन। कह रहे हैं 2% फर्दर लॉस होने के चांस हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाना है। एक बात बताइए, अगर सामने वाला बंदा, देखिए इसमें बच्चा क्या सोचता है बताता हूं मैं आपको,
बच्चा इसमें उल्टा सोचता है, एक बात बताइए, ये गोडाउन है, इसमें मैं डीजल का एक ड्रम रखने जा रहा हूं, ये गोडाउन है डीजल का ड्रम रखने जा रहा हूं, मुझे पता है कि यहां पर डीजल इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ा बहुत, पूछा गया कितना, मैं बोला 2%। अब बताइए अगर मैं 100 लीटर डीजल रखकर आ रहा हूं, 100 लीटर डीजल रख रहा हूं, मुझे पता है कि 2% तो इवेपोरेट हो जाएगा, बताइए आउटपुट कितना आएगा, 98 लीटर, तो 2% हवा में उड़ जाएगा, 98% यानी 98 लीटर आएगा। अब बताइए मैं इसके लिए पहले से प्रोविजन बनाकर चल रहा हूं, ये एबनॉर्मल नेचर है या नॉर्मल नेचर है, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल लॉस का ही प्रोविजन बनाया जाता है मटेरियल के कंसेप्ट में। वैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है अकाउंट के अंदर वो पढ़ा है कि लॉस एबनॉर्मल चीजों के लिए, प्रोविजन एबनॉर्मल चीजों के लिए बनाया जाता है, तो प्रोविजन एबनॉर्मल लॉस के लिए बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी या कुछ और। लेकिन मटेरियल के केस में स्टोर कीपर अगर कोई प्रोविजन बनाकर चल रहा है तो वो प्रोविजन तभी बनाकर चल रहा है जब उसको क्लियर पता है कि आगे लॉस होगा, और इसे नॉर्मल लॉस का प्रोविजन माना जाता है। अब जरा देखिए, आप एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें इस्तेमाल होता है लोहा, आयरन। अब बताइए आयरन फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, अब स्टोर कीपर के पास पहुंचते हैं, स्टोर कीपर से पूछा कितना आयरन रखा है, वो बोला 100 क्विंटल। उससे पूछा कि ओके, वो बोला कि अभी रुक जाओ, 100 क्विंटल रखा है ना, तो 100 क्विंटल बाहर नहीं आएगा बल्कि बाहर आएगा 99 क्विंटल। उससे पूछा क्यों, बोला 1% को जंग लग जाएगी। अब बताइए आयरन पे जंग लग जाएगी, ठीक है, वो कह रहा है 1% पे जंग लग जाएगी, ये जंग लगना एबनॉर्मल है या एस्टिमेटेड है, बिजनेस का एक एवरेज या स्टैंडर्ड लॉस है। तो स्टोर कीपर मटेरियल के लिए जो लॉस के प्रोविजंस बनाता है वो नॉर्मल लॉस होते हैं, इसे अभी हम नोट में भी लिखेंगे, आ जाइए। तो अगर हमारे पास प्रोविजन बनाया गया है लॉस के लिए तो उसे नॉर्मल लॉस आपको मानना है, लिखिएगा नोट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ मटेरियल बताइए क्या मानेंगे उसको आप, नॉर्मल लॉस मानेंगे, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ मटेरियल को नॉर्मल लॉस मानेंगे। इस क्वेश्चन ने BQ21 ने हमसे कहा है कि रेट पर केजी बताइए, स्टेटमेंट शोइंग रेट पर केजी। देखिए इसे बनाने का बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं, पार्टिकुलर्स, दो केमिकल हैं, केमिकल ए केमिकल बी, केमिकल ए केमिकल बी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी है इसकी किलोग्राम्स, और यहां आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, रेट पर केजी दो का निकालना है, दो का एक साथ निकाल देंगे सेपरेट सेपरेट कॉलम में। सबसे पहले परचेज प्राइस, चेक करिए परचेज प्राइस कितना है, 10,000 किलोग्राम, प्राइस है 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000, और यहां पर किलोग्राम 8,000 और प्राइस है 1,04,000, ठीक है, परचेज प्राइस और क्वांटिटी आ गई 10,000 एंड 8,000। इसके बाद में इस क्वेश्चन में आप जाएंगे तो क्वेश्चन ने क्या किया हुआ है, कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है, क्रेडिट अलाउड नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, 10% है, ठीक है जी, आ जाइए ऐड कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ITC इज नॉट अलाउड, कस्टम ड्यूटी आ गई, ITC अलाउड नहीं है, एट 10%, 10,000 एंड 10,400, एक और खर्चा भी,
इससे आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। एड फ्रेट, फ्रेट दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है 3840। अब ए और बी का कितना कितना है अलग अलग नहीं दिया। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए जो किराया लगता है वो ये देखकर लगता है कि चीज की कीमत क्या है, या देखकर लगता है कि वेट कितना है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले सभी लोग किराया वेट देखकर लेते हैं। आधा किलो इतना किराया, एक किलो इतना किराया। कोरियर करवा के देखिए आप कभी, तो कोरियर करवाएंगे तो वेट के हिसाब से कोरियर किया जाता है। तो यहां पर रेलवे फ्रेट दिया है एक साथ, अब मैं कैसे बांटूं? तो इसका सिंपल सा तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। लिखिएगा किस रेशो में बांट दूं, 10,000:8,000 के रेशो में आप फ्रेट को बांट दीजिए। फ्रेट है 3840 डिवाइडेड बाई 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हो गया जी 2133,1707। इससे भी कॉस्ट बढ़ेगी, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। ओके, यहां पर मेरे पास आया टोटल, तो 10,000 किलोग्राम की कीमत हुई 1,12,133 और यहां पर हुआ 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 1707 116,107 8,000 का। ठीक है जी, इसके बाद में लेस, क्वेश्चन ने कहा है नॉर्मल ब्रेकेज हो गई, नॉर्मल ब्रेकेज। पहले वाले की नॉर्मल ब्रेकेज है 500 किलोग्राम और दूसरे वाले की 320। बताइए कितना बचा, 9,500, 112,133, जीरो नॉर्मल लॉस को कुछ माइनस नहीं होगा, 7,680 और 116,107। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास लेस प्रोविजन फॉर लॉस, इसे हमेशा नॉर्मल मानना है। क्वेश्चन ने कहा है 2%, आपको मैं समझाता हूं इस प्रोविजन का क्या मतलब होता है, ये कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों प्रोविजन बेसिकली ये कहना चाहता है, स्टोर कीपर के पास बताओ कितनी यूनिट आई है, स्टोर कीपर के पास आएंगे 9,500 यूनिट। स्टोर कीपर कह रहा है भैया 2% सामान स्टोर के अंदर ही खत्म हो जाएगा, जनरली ऐसा ही होता है। तो बताइए 950 का 2% 190, 9,500 का 2% 190 और 7,680 का 2% 153.60, ये नॉर्मली लॉस हो जाएंगे। अब मुझे बताइए गोडाउन के बाहर कितनी कॉस्ट और कितनी क्वांटिटी निकल कर आएगी, तो मैं आपको बता दूं 9,500 माइनस 190, 9,310 किलोग्राम निकल कर आएगा जिसकी कीमत है 112,133 और यहाँ पर 7,680 माइनस दिस 7,526.4 और 116,107। ये हमारे गोडाउन से बाहर निकल कर आएगा रेट पर केजी। अब आपको अगर निकालना है रेट पर केजी, तो सिंपल है 9,310 की कीमत है 112,133, 9,310 की, तो 1 केजी की कितनी होगी 12.04 और 116,107 डिवाइड बाई 7,526.4 15.43। तो क्वांटिटी में 1 का रेट आपके पास निकल कर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, परचेज प्राइस लीजिए, ड्यूटी जोड़िए, फ्रेट को रेशो में बांट के जोड़िए, नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी जाएगी लेकिन वैल्यू कम नहीं करेंगे। प्रोविजन बनाया तो वो भी नॉर्मल लॉस है, क्वांटिटी जाएगी पर वैल्यू कम नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस होता तो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों माइनस होती। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो आपके पास सॉल्यूशन भेजा है उसमें अलग तरीके से दिखाया है। सॉल्यूशन में हम लोगों ने कैसे दिखाया है, हमने यहाँ पर ले लिया कि भैया 112, 133 और 116, 107 है कॉस्ट
और क्वांटिटी के लिए अलग से वर्किंग नोट बना लिया कि 10,000 में से 500 गया, फिर 190 2% और चला गया, इतना और इतना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि एक जगह पे कॉस्ट लें और एक जगह पे क्वांटिटी लें, फिर डिवाइड करके निकाल लें। नोट, नोट में हमें लिखना है यहां पर नोट, इन केस ऑफ टू मटेरियल्स या दो से ज्यादा भी, इन केस ऑफ टू मटेरियल या उससे ज्यादा भी, फर्स्ट नेम ऑफ कॉमन एक्सपेंस, एंड यहां पर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। अगर दो मटेरियल एक साथ खरीदते हैं तो क्या क्या खर्चे आपको दिख सकते हैं जो कॉमन हो। जैसे यहां पर क्वेश्चन ने सिर्फ रेलवे फ्रेट बोला है, कोई भी फ्रेट हो, रेलवे फ्रेट और एनी फ्रेट, कोई भी फ्रेट हो किस बेसिस पर बांटना चाहिए, तो वेट के या क्वांटिटी के रेशो में बांटना चाहिए। वेट या क्वांटिटी के रेशो में आप इस खर्चे को बांटेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई भी टैक्स हो, टैक्स जीएसटी आईजीएसटी, वो वैल्यू के रेशो में बटेगा। जितनी ज्यादा वैल्यू टैक्स भी उतना ही ज्यादा होता है, जितना ज्यादा वेट आने जाने का किराया उतना ज्यादा होता है। थर्ड इंश्योरेंस, बताइए अगर कभी कॉमन खर्चे में इंश्योरेंस हो, कमीशन हो, तो कैसे बांटेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कमीशन वैल्यू के रेशो में लगेगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू उतना ज्यादा कमीशन। इंश्योरेंस मान लो दे देता कि इन दोनों का इंश्योरेंस, क्वेश्चन लिख देता इन्हीं सब खर्चों के नीचे, इन्हीं सब खर्चों में एग्जामिनर कल को एक और खर्चा लिख के भेज दे कि भैया इंश्योरेंस का खर्चा, और बोल दे कि इंश्योरेंस का खर्चा 5,000 है दोनों का, अब बताओ कैसे बांटूं। तो इंश्योरेंस सामान की कीमत के हिसाब से होता है, सामान की वैल्यू के हिसाब से। महंगे सामान का इंश्योरेंस भी ज्यादा, सस्ते सामान का इंश्योरेंस भी कम। तो अगर इंश्योरेंस होगा तो वैल्यू के रेशो में होगा, तो टैक्स है, कमीशन है, इंश्योरेंस है, वैल्यू के रेशो में होते हैं, और फ्रेट किराया वेट के रेशो में होता है। बताइए लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग वेट के बेसिस पर होगी। तो मजदूर उठाते हैं कंधों पर, तो लोडिंग और अनलोडिंग वेट के हिसाब से होती है। ये और लिख देते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग ये वेट के हिसाब से होगी, एटसेट्रा। तो अभी पूछा नहीं गया कभी, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास है लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर एक ही बार एग्जाम में आई है। स्टोर लेजर के अंदर बड़ा सिंपल सोवर सा आपके पास एक डिजाइन होता है, फाउंडेशन में भी बच्चे ने पढ़ा होता है। इसके आने के चांस थोड़े से मुझे तो कम लगते हैं, पर जब भी आएगी तो 10 नंबर में आएगी। स्टोर लेजर का क्वेश्चन एक बार जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है PYQ 28 एग्जाम में आया। इन्होंने इसे पूछा है वेटेड एवरेज और लीफो मेथड से। हमारे पास यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है BQ 22, और BQ 22 जो हमारे पास है वो हमारे पास हम लोगों ने लिया है BQ 22 स्टोर लेजर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हमने लिया है सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फीफो से, एवरेज से और लीफो से। तो इन्होंने तो दो मेथड से लिया है, हमने तीनों मेथड से इसको उठाया है। अब जरा देखिए, स्टोर लेजर के अंदर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रहता है। इसके अंदर एक कॉलम होता है डेट का, इसके बाद में रिसीट, इशू और बैलेंस। तो रिसीट, इशू और बैलेंस, यहां आ जाती है रिसीट,
यहाँ आ जाता है इश्यूज और यहाँ आ जाता है बैलेंस। जो भी मेथड आप लगाएं, फिर इसके टुकड़े होते हैं, टुकड़े के अंदर क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, इस तरह से पूरी स्टोर लेजर चलती रहती है। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 उठाते हैं, जिससे हमारे पास फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज तीनों मेथड कवर हो जाएं एक ही बार में। तो हमारे पास है BQ22, यही है PYQ28। PYQ28 में फीफो नहीं है, बस इसके अंदर फीफो भी है। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। फॉलोइंग आर द डिटेल फॉर रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल CXE। CXE नाम के मटेरियल की इशू रिसीट बताई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दिस। अप्रैल 4 परचेज किया है 3000 किलोग्राम 16 रुपए के रेट से, 8 तारीख को इशू कर दिया परचेज इशू, 25 तारीख को रिटर्न टू सप्लायर है, रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज मेड ऑन अप्रैल 15, जो 15 अप्रैल को हमने खरीदा था, ठीक है, इशू हुआ, परचेज हुआ, ये सब। ओपनिंग स्टॉक 1000 किलोग्राम है 15 रुपए के रेट से। इसके अलावा 30 अप्रैल को 50 किलोग्राम की फ्रॉडुलेंटली शॉर्टेज पाई गई है, जो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। बताइए, ये 50 किलोग्राम बेसिकली क्या है, एबनॉर्मल लॉस, 50 किलोग्राम का लॉस हो गया, ये रिकवर नहीं हो सकता, ये पूरी कहानी इन्होंने हमें बता दी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, रिटर्न भी दिखा दिया सप्लायर को, लॉस भी दिखा दिया, तो रिटर्न भी है और लॉस भी है। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर विच द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू इज यूज्ड, फीफो, वेटेड एवरेज एंड लीफो। तो मैं तीन स्टोर लेजर आपको बना के दिखा रहा हूँ, फीफो से, वेटेड एवरेज से, लीफो से, बनाना जल्दी जल्दी से, आंसर में भी दी हुई है, यही हमारा मटेरियल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से बनाना है, मेथड सीखते भी जाएंगे और बनाते भी जाएंगे, तो स्पीड में थोड़ा सा हमें काम करना होगा। आ जाइए, BQ22 पार्ट 1, स्टोर लेजर ए, स्टोर्स लेजर फीफो, ठीक है। रिसीट, इशू, बैलेंस, और ये हो गया डेट, अप्रैल मंथ है। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, एक तारीख 1000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में 15 रुपये के रेट से 15000 रुपये की, मैं इसके नीचे यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, एग्जाम में हमें नहीं लगाना होता, जिससे डिफरेंस रह जाए। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला 1000 किलोग्राम 15 रुपये के रेट से ओपनिंग स्टॉक ही आ गया। इसके बाद में जरा देखिए, 4 अप्रैल को 16 रुपए के रेट से 3000 क्वांटिटी परचेज हुई, तो ये आ गया हमारे पास 4 अप्रैल 3000, 16 रुपए के रेट से 48000। अब मुझे बताइए, मेरे पास स्टॉक कितना हो गया, 1000 पुराना और 3000 नया, 4000 यूनिट या किलोग्राम मेरे पास आ गया, ये 15 से था, ये 16 से आ गया, 15000 का ये और 48 का ये मेरे पास आ गया, 4 अप्रैल को मेरा स्टेटस ये होगा। इसके बाद में 8 अप्रैल को मैंने इशू किया है, मेथड कौन सा है, फीफो, 1000 यूनिट इशू की हैं, तो फीफो मेथड में आपने 8 अप्रैल को इशू किया है, तो वो इशू किया जाएगा जो पहले होगा, तो पहले कौन सा है, 1000। बताइए, यही अगर फीफो मेथड होता
यही अगर लीफो मेथड होता तो मैं कौन सा इशू करता, लास्ट वाला, तो 15,000 का इशू हो गया। मेरे पास कितना बचा, 1,000 जो था ओपनिंग वाला वो तो खत्म हो गया, अब मेरे पास बचा 3,000 यूनिट्स और ये 48,000 का आ गया। इसके बाद में मेरे पास में 15th अप्रैल को फिर से मैंने 1500 यूनिट 18 रुपए से परचेज कर ली, तो आपके पास 15th अप्रैल में फिर से 1500 यूनिट आ गई 18 रुपए के रेट से और ये हो गई 27,000 रुपए की। अब मेरे पास स्टॉक कित कौन सा हो गया, 3,000 पुराना और 1500 नया, ये 16 रुपए से और ये 18 रुपए से, ठीक है जी, ओके। इसके बाद में मेरे पास 15 तारीख के बाद, जरा डेट देखते हैं कौन सी डेट में ट्रांजेक्शन हुई है, 15 तारीख के बाद मेरे पास हुई है 20 तारीख में ट्रांजेक्शन, 1200 यूनिट और इशू हो गई। तो मेरे पास 20 तारीख में ट्रांजेक्शन हुई है, 15 के बाद 20, इशू हो गई 1200 यूनिट, 16 रुपए वाले में से होंगी, ओपनिंग वाले में से 19,200। अब मेरे पास 1800 तो बची है 16 रुपए वाला, और जो 1500 वाला था वो पूरा का पूरा भी पड़ा हुआ है, 27,000 और ये 28,800। ये 20 तारीख की ट्रांजेक्शन हो गई। 20 तारीख के बाद में मेरे पास 25 तारीख सप्लायर को रिटर्न कराए, तो सप्लायर को रिटर्न किया है तो सप्लायर से जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में रिटर्न होगा। यहाँ पर इस बात का कोई मायने नहीं है कि कौन सा मेथड लगा रहे हो, आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। सप्लायर से जिस रेट से लिया गया था उसी रेट से वापस होगा। कौन से वाले सप्लायर को वापस किया, जिससे 15 तारीख को खरीदा था, 15 तारीख को ये 18 रुपए से खरीदा था 1500 यूनिट, जिसमें से 300 वापस करनी है, ठीक है जी, 300 वापस हो जाएंगी। तो अब डेट पड़ गई 25 तारीख को आपने 300 यूनिट ये रिटर्न हुई है, मेंशन करेंगे एग्जाम में भी ऐसे रिटर्न, कौन सी 18 रुपए वाली। यहां पर अब फीफो लीफो कुछ नहीं, जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से वापस 5400। अब 1800 यूनिट जो पुरानी थी वो तो है ही है, जो 1500 थी उसमें से 1200 रह गई, बाकी की 300 रिटर्न हो गई, 28,800 और ये आ गया हमारे पास 21,600। इसके बाद ट्रांजेक्शन किस डेट में प्लेस हुई, 16 तारीख को 1000 यूनिट इशू कर दी, ओके जी, 16 तारीख में 1000 यूनिट इशू की हैं, 1000 यूनिट 16 तारीख में इशू की हैं। कहाँ से इशू होंगी, 16 रुपए वाले से, जो पहले आया है 16,000। अब इसमें से 800 यूनिट बच गई 16 रुपए की, ये 1200 वाली तो मेरे पास है ही है, 1200 ये मेरे पास ऑलरेडी है 18 वाली, तो 21,600 और जी ये हो गया 12,800, ओके। इसके बाद में डेट मैंने 16 लिख दी, 26 की जगह 26, ये हो गया काम। 26 तारीख के बाद में मेरे पास 28 तारीख 500 यूनिट और खरीद ली 17 रुपए से, 28 तारीख को 500 यूनिट और परचेज हो गई, रेट है 17,8500, 800 पहले से थी, 1200 पहले से थी, 500 और आ गई, ये 16 से, ये 18 से, ये 17 से, 12,800, 21,600 एंड 8500। इसके बाद में लास्ट में 30 अप्रैल को एक और बात हमें पता चली, वो ये पता चली कि हमारी 50 किलोग्राम शॉर्टेज है, 50 किलोग्राम का शॉर्टेज है, ओके जी, 30 तारीख शॉर्टेज है, एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट और जी कितने रुपए से, 16 रुपए ओपनिंग से जाएगा तो 800 रुपए। अब मेरे पास इसमें से बचा 750, ये 1200, ये 500, 16, 18, 17, 16 × 750 12,000, 21,600 और 8500, ये हो गया भैया मेरा फीफो मेथड
खत्म। ओके जी, फीफो मेथड खत्म हो गया हमारा। इसके बाद में लीफो और वेटेड एवरेज, बड़ा सिंपल सा है। लीफो और वेटेड एवरेज आप लोग मुझे बताइए कैसे निकलेगा। आ जाइए सीखते हैं। लीफो और वेटेड एवरेज बताइए, लीफो मेथड के अंदर ये आ गया फीफो। लीफो मेथड में क्या होगा सामने के सामने देखते हैं। लीफो मेथड में ये 1000 यूनिट आ गई, ठीक है, फिर 3000 आ गई, ठीक है। अब बताइए पहले 1000 वाले में से इशू होगा या 3000 वाले में से? तो लीफो मेथड में पहले 16 रुपए वाला 3000 में से इशू होगा। तो यहां पर जो इशू है वो इसमें से आया, 1000 ओपनिंग बच गया, 2000 एग्जिस्टिंग वाला बच गया, लेटेस्ट वाला, फिर परचेज हुआ आ गया। अब बताइए अब जब इशू होगा 1200, तो 1200 इस एक में से, इस दो में से नहीं, जो ये अभी लेटेस्ट खरीदा है 18 वाला, इसमें से इशू होगा। इसके बाद में रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर इशू करने की बात आई, तो जो इशू किया जाएगा वो इशू किया जाएगा 16 रुपए वाले में से, तो इसमें से 1000 यूनिट चली गई। अब दोनों 1000 बचे, फिर और आ गया 500, 1 और 500। अब इस 500 में से शॉर्टेज होगी 17 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गई हमारे पास शॉर्टेज। इसके बाद में जो वेटेड एवरेज है, इससे आसान कोई मेथड नहीं होता दोस्तों। तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर क्या होगा, वेटेड एवरेज मेथड बिल्कुल सिंपल करता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट, और उसी से पूरा क्वेश्चन सोल्व करता है। देखिए पहले 1000 यूनिट थी 15 से, ओके, फिर 3000 यूनिट और आ गई 16 से 48000। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा देखो 15000 पुराने, 48000 नए, टोटल कितने हो गए, 48 प्लस 15 63000 डिवाइडेड बाई यूनिट्स, 1000 पुरानी और 3000 नई, 4000, 63000 डिवाइड बाई 4, 15.75। तो इसका रेट हो जाएगा 15.75। तो ये हर बार क्या करेगा, अपने रेट को बदलता रहेगा जैसे जैसे रेट चेंज होता रहेगा। तो एक बार अगर हम शॉर्ट में लिखें इस क्वेश्चन के नीचे फीफो लीफो और वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, फर्स्ट फीफो मेथड। बताइए फीफो मेथड क्या करेगा, नाम है मेथड का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेथड कैसे काम करेगा, वी इशू ओल्ड यूनिट्स ऑफ मटेरियल फर्स्ट। हम पहले जो पुरानी यूनिट्स हैं उन्हें इशू करेंगे, या मैं कह सकता हूं जो पुरानी यूनिट का प्राइस है उस प्राइस से यूनिट इशू होंगी, और वी यूज ओल्ड प्राइस फॉर इशू ऑफ मटेरियल फर्स्ट। हम पहले ओल्ड प्राइस इस्तेमाल करेंगे इशू करने के लिए, जब वो खत्म हो जाएगा फिर सेकंड ओल्ड, फिर थर्ड ओल्ड, फिर फोर्थ ओल्ड, इस तरीके से। सेकंड लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बताइए इस मेथड में कौन सा रेट इस्तेमाल किया जाएगा, जो लेटेस्ट प्राइस होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट। इशू ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट प्राइस। तीसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कहता है इशू ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज
प्राइस ऑफ मटेरियल और वेटेड एवरेज प्राइस क्या रहेगा, वेटेड एवरेज प्राइस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास तीनों मेथड और इनके तरीके हैं। नोट, स्टोर लेजर बनाते टाइम पर कुछ नोट ध्यान रखने वाले हैं, वो देखने हमें। दोस्तों, स्टोर लेजर बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है, ये है हमारे पास स्टोर्स और ये है हमारे पास फैक्ट्री। और ये है हमारे पास सप्लायर। स्टोर लेजर में कब कब आपको एंट्री नजर आएगी, सप्लायर ने सामान भेजा एंट्री नजर आएगी, स्टोर से रिटर्न हुआ तो भी एंट्री नजर आएगी, एक तरीके से स्टोर के लिए रिसीट और ये हुआ रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, स्टोर अगर फैक्ट्री को इशू करेगा एंट्री नजर आएगी, फैक्ट्री अगर स्टोर को रिटर्न करेगी एंट्री नजर आएगी, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, इसके अलावा विद इन फैक्ट्री अगर ट्रांसफर हो, ट्रांसफर विद इन फैक्ट्री, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल विद इन फैक्ट्री आर नॉट शोन ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल विद इन फैक्ट्री आर नॉट शोन इन स्टोर लेजर। भैया, विद इन फैक्ट्री ट्रांसफर कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर जॉब नंबर वन ने जॉब नंबर टू को मटेरियल दिया तो स्टोर लेजर में नहीं आएगा। जॉब वन ने जॉब टू को दिया तो काम फैक्ट्री के अंदर ही चल रहा है, एक बैच ने दूसरे बैच को ट्रांसफर किया, वो स्टोर लेजर में नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन टू जॉब्स टू बैचेज, तो अगर दो जॉब दो बैच ऐसे कुछ ट्रांसफर हो रहा है ये नहीं आएगा। एंट्री सिर्फ तभी आएगी जब स्टोर से इशू होगा या स्टोर से रिटर्न होगा। अब जरा देखिए, जब आप रिटर्न टू सप्लायर करेंगे, रिटर्न टू सप्लायर, तो हमेशा ऑलवेज एट द रेट ऑफ परचेज फ्रॉम दैट सप्लायर, उस सप्लायर से आपने जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से सप्लायर को वापस होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेथड। कौन सा मेथड लगा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी एक मिनट के लिए रुकिए, मतलब आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं इससे मतलब नहीं है। आपने सप्लायर को रिटर्न किया है जिससे 15 तारीख को खरीदा था, तो 15 तारीख को 18 वाला जो खरीदा था उसी में से वापस होगा। तो जरा देखिए, मेथड नंबर वन वापस 18 रुपए के रेट से फीफो, मेथड नंबर टू वेटेड एवरेज वापस 18 से ही, मेथड नंबर थ्री लीफो वापस 18 से ही। हर केस में रिटर्न टू सप्लायर उसी रेट से होगा जिस रेट से हमारे पास आया था, वो हमें क्रेडिट नोट देगा उसका। वो हमारे पास क्या करेगा, वो लिख देगा 300 यूनिट आई हैं, जो 18 रुपए की भेजी थी वो वापस आ गई, उसका क्रेडिट नोट दे देगा। तो इस तरह से चलता है। अब जरा देखिए, कई बार क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन आपको डेट ना दे, सिर्फ लिख दे रिटर्न टू सप्लायर, ये ना बताए कब का। अब आप मेथड के तरीके से लगा सकते हैं।
जनरली ऐसे में एजम्पशन आपको लिखनी पड़ेगी कि आप कौन से परचेज में से मान रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे डेट लिख कर देगा। अब जरा देखिए, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री से रिटर्न हुआ है और फैक्ट्री आपको ये बता दे कि कौन सा वाला रिटर्न हुआ है, तो उसी रेट से वापस लेना है। यूज सेम रेट, यूज सेम रेट विच वॉज यूज फॉर इशू, जिस रेट से आपने इशू किया था उसी रेट से आप वापस उसको लीजिए। इशू ऑफ मटेरियल टू सच जॉब और वर्क, एक मिनट के लिए रुक जाइए, जरा इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब है, जैसे मैं क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट उठाता हूं, यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया इशू टू जॉब 95, 1000 यूनिट, ठीक है। फीफो मेथड लगा, 15 रुपए के रेट से मैंने इसको इशू कर दिया। अब क्वेश्चन ने यहां 2-3 लाइनों के बाद यहां पर कह दिया पॉइंट नंबर 26 के आगे, रिटर्न फ्रॉम जॉब नंबर 95 और यूनिट लिख दी 200। तो मैंने 1000 यूनिट उसे भेजी थी, उसने 200 मुझे वापस भेज दी। अब बताइए किस रेट से वापस लूं, तो बता दूं जिस रेट से इशू किया था उसी रेट से आप भी वापस लेंगे। तो हम जिस रेट से खरीदते हैं उस रेट से वापस करते हैं, जिस रेट से हम फैक्ट्री में इशू करते हैं किसी जॉब पर उसी रेट से वापस लेते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये ना बताए कि कौन सी जॉब से वापस आया है, वर्ष वापस आया है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जो भी मेथड लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली या एजम्पशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे रूल रेगुलेशन चलते हैं। मैं स्टोर लेजर के अंदर अभी ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको फिट करने वाला हूँ, जब देखिएगा। स्टोर लेजर मैं फिट करने वाला हूं कि कौन सी चीज कहां पर नजर आएगी। बैलेंस, डेट, रिसीट, इशू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। अब जो देखिए, पहला पॉइंट, इशू टू फैक्ट्री कहां पर दिखाया जाता है, मैं यहां पर पॉइंट लिखता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, इशू टू फैक्ट्री, आपने फैक्ट्री को इशू किया, यहां दिखाया जाएगा। रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिटर्न आएगा तो कहां पर दिखाया जाएगा, स्टोर में, रिसीट में आएगा। फैक्ट्री ने वापस दिया है तो स्टोर के लिए वो रिसीट है। थर्ड, इशू रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर या परचेज, आपने परचेज किया है, स्टोर के अंदर सामान आ गया है, यहां दिखाया जाएगा। रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस दिया तो फैक्ट्री के बाहर चला गया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, आप ये मत सोचिए क्या हुआ, आप बस ये सोचिए स्टोर में आया या गया। फैक्ट्री को इशू किया तो स्टोर से गया, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री ने वापस किया तो स्टोर में आ गया, परचेज किया है, परचेज, तो परचेज किया है तो स्टोर में आ गया, और रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस दिया है तो हमारी फैक्ट्री से चला गया। बताइए, एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज, एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज के अंदर आप क्या करेंगे,
एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज यानी आपकी फैक्ट्री से सामान चला गया, यहां से गया, और बताइए इसकी वैल्यू कहां ट्रांसफर हो जाएगी? इसकी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी कॉस्टिंग पी एंड एल में। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कहां नजर आएंगे? तो मैं बता दूं, नॉर्मल लॉस यानी आपकी फैक्ट्री से क्वांटिटी तो कम हो गई। अगर नॉर्मल लॉस है तो आपकी फैक्ट्री से क्वांटिटी तो कम हो गई, लेकिन वैल्यू के कॉलम में हम दिखाएंगे जीरो जीरो जीरो। ऐसा केस कभी नहीं देता, ऐसा केस कभी नहीं देता। तो वैसे तो स्टॉल डेजर पूछी ही नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हमें सी ए इंटर लेवल पर, चाहे आप रेगुलर बैच में पढ़ रहे हों या फिर फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ रहे हों, आपको चीज का आइडिया होना चाहिए। जो शॉर्टेज होती है वो किस तरीके से वैल्यूड होती है? नॉट। एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड एज पर द मेथड, जो मेथड चल रहा है एबनॉर्मल लॉस उस मेथड से वैल्यूड होगा। एबनॉर्मल लॉस हमेशा उस मेथड से वैल्यूड होगा जो भी मेथड चल रहा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस था, तो यहां पर शॉर्टेज 16 रुपए से, यहां पर शॉर्टेज 16.48 से, और यहां पर शॉर्टेज 17 से। तो जो मेथड चल रहा है उस मेथड से शॉर्टेज निकाली गई है, लेकिन रिटर्न टू सप्लायर एक ही रेट से होगा जिस रेट से खरीदा था। रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, तो हमने जिस रेट से फैक्ट्री में भेजा था उसी रेट से हमारे पास वापस आना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट इसके अंदर और आप लास्ट लिख लीजिए, नॉट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कई बार क्वेश्चन स्टोर लेजर में पूछता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बताओ, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू, जो देखेगा ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया है, इसी क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट हैं, एक तो है स्टोर लेजर बनाओ और दूसरा पॉइंट है मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो। तो मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आपको निकालना है तो आराम से देखिएगा, इधर ये फीफो मेथड है, आराम से समझिएगा। मैंने मटेरियल इशू किया 15,000 कंज्यूम है, मैंने मटेरियल 19,200 इशू किया कंजम्पशन है, मैंने मटेरियल रिटर्न किया, ये कंजम्पशन नहीं है, ये कंजम्पशन नहीं है। मेरा मटेरियल लॉस्ट हो गया, ये कंजम्पशन नहीं है। मटेरियल 26 तारीख को इशू हुआ कंजम्पशन है, यानी कंजम्पशन के अंदर रिटर्न और शॉर्टेज नहीं आते। तो इसका हमारे पास तरीका एक क्या रहता है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ इशूड मटेरियल, टोटल वैल्यू ऑफ इशूड मटेरियल माइनस इसमें से मटेरियल रिटर्न फ्रॉम, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हटा दीजिए, और शॉर्टेज अगर कोई है तो वो शॉर्टेज भी हटा दीजिए, और अगर आपकी फैक्ट्री में कोई मटेरियल रिटर्न होकर आ गया है तो उसको भी हटा दीजिए, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। तो इशूड साइड में से रिटर्न टू सप्लायर, कोई शॉर्टेज है या फैक्ट्री से वापस आया है तो उसे हटा दीजिए, दी एंड करने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर दी एंड कर देंगे। देखिएगा, मान लीजिए ये स्टोर लेजर है आपकी, इस स्टोर लेजर में देखिए आपने रिटर्न कर दिया, तो इशू साइट का टोटल उठाइए, उसमें से इशू साइट का टोटल में से बताइए, ये रिटर्न वाले को माइनस कर दीजिए, शॉर्टेज वाले को माइनस कर दीजिए, ये दोनों तो आपको क्लियर है कि रिटर्न टू सप्लायर माइनस होता है, शॉर्टेज माइनस होती है, लेकिन रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब जरा देखिए, मान लो, आराम से देखना, आराम से
मान लो मैंने 1000 यूनिट फैक्ट्री को इशू की 15000 में, इसमें से 200 यूनिट वापस आ गई। अब बताइए, जो यूनिट फैक्ट्री से वापस आ गई वो भी तो इशूड मटेरियल को रिड्यूस कर देंगी। तो अगर मैंने फैक्ट्री को 1000 यूनिट इशू की जिसमें से 200 वापस आ गई, तो वो भी तो मेरी कॉस्ट को, मेरे इशूड मटेरियल को, कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगी। तो दैट इज रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। दोस्तों इतना ही है मटेरियल चैप्टर। मैं अगर आपसे शॉर्ट में बात करूं तो मैंने स्टोर लेजर आपको करवा दिया है और मैंने आपको लॉस, एबनॉर्मल लॉस, गेन, ये सब कुछ करवा दिया है। आप लोगों का जो मेन फोकस रहना चाहिए वो ईओक्यू और लेवल सेटिंग रहना चाहिए। ईओक्यू और लेवल सेटिंग से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। ईओक्यू में अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, तो ईओक्यू के अंदर एक हमारे पास सिंपल ईओक्यू पूछ लेगा, एक हो सकता है ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट पूछ लेगा, एक हो सकता है ये कह सकता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं ईओक्यू फॉलो करके, एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, इसके बाद में लेवल सेटिंग के क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है। ये क्वेश्चन है मेन। इसके बाद में लेवल सेटिंग के बाद में एक मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल वाला क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। एबीसी एनालिसिस के चांस बहुत कम है, क्वेश्चन नंबर 16-17 दोनों के कम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 नंबर वाले में आ सकता है, आ गया तो फ्री के नंबर है, तो इसको पढ़ के चले जाएं, एक फॉर्मूला ही याद करना है। तो 16-17 आने के चांस नहीं है, 18 और 19 आ सकता है, इसमें से 5 नंबर में आएगा अगर आएगा तो। प्राइसिंग इशू में BQ20 स्टडी मैट का क्वेश्चन है, 21 भी स्टडी मैट का क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टोर लेजर एग्जाम में एक बार आया है, कभी भी आएगा, तो मैंने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स उसके बता दिए स्टोर लेजर के सारे, कि रिटर्न पे क्या होगा, इस पर क्या होगा, उस पर क्या होगा, इतना इन डेप्थ नहीं आएगा, आएगा तो हल्का फुल्का आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। ये था हमारे पास चैप्टर मटेरियल। आप जब इन चैप्टर्स को करें तो साथ के साथ ना आप टिक लगाते चलना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। अब मैं आपको सही बात बताऊं तो बताइए, BQ1 आप सीधे EOQ का क्वेश्चन ऐसे ही उठा के कर दोगे तो आप इसको लगा सकते हो कि ये रिवीजन में मुझे नहीं करना। BQ1 सिंपल है तो क्वेश्चन हो गया, पर रिवीजन में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, रिवीजन में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पैसे हम बचा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी हम ये रिवीजन में कर लेंगे, तो इस पे 1 स्टार ऐसे कुछ भी या फिर रिवीजन का कोई सिग्नल लगाकर छोड़ दीजिएगा, या जहां आपके सारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं वहां पर लिख लेना कि BQ3, BQ ये, PYQ ये क्वेश्चन हमें दूसरी बार रिवीजन में करने हैं। तो आप लोग मेन मेन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, प्लस जैसे आपका एक चैप्टर मटेरियल पूरा ख़त्म हो गया तो CA नमित अरोरा के नाम से चैनल है YouTube पर, वहाँ पर आप जाएंगे तो एक मैराथन वीडियो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी, इसके आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है, उस टाइमलाइन में मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर, ये सारे चैप्टर गिवन हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे सारे क्वेश्चन हो जाएं, चैप्टर हो जाए, तो एक बार वो मैराथन वीडियो देख सकते हैं, उसमें आधे आधे एक एक घंटे में ना एक एक चैप्टर का पूरा रिवीजन करवाया हुआ है, तो वो भी हेल्पफुल है। चाहो तो पूरा कोर्स करने के बाद भी देख सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको हम लोगों का फास्ट ट्रैक बैच पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर बिल्कुल करें। दूसरी चीज़, कोई डाउट आता है आपको इस फास्ट ट्रैक बैच के क्वेश्चंस में से तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे वो डाउट पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है उसके लिए आप फ्री होकर डाउट पूछ सकते हैं। इतना करना मोर देन सफिशियंट है फास्ट ट्रैक के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम जनरली कम होता है, तो इतना करिए, मोर देन सफिशियंट है। और इसके अंदर आप पक्की बात मानकर चलिए कि आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे। आप एग्जामिनेशन की मत सोचिए, मैं एग्जामिनेशन से आपको ज़्यादा ही दिलवा दूंगा, आप इस बात को कंफर्म मान के चलिए। बस आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप कर लीजिएगा, आपकी एग्जामिनेशन के बारे में मत सोचिए, बल्कि 80 प्लस आपके कन्फर्म आप मानकर चलिए इतना करने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लेबर कॉस्ट। ओके जी, सपोर्ट, बाय बाय।